नीता नगरी इज ब्रॉट टू यू बाय पगार खाता। डाउनलोड द ऐप नाउ। मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी देख रहे हैं। नेता नगरी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नक्सली हमले की, भारतीय राज्य के सामने जो चुनौती है उसकी, और कैसे उस चुनौती से पार पाया जा सकता है, स्ट्रेटजी में अभी क्या कमियां नजर आ रही, इनके बारे में बात करेंगे, और भविष्य का रूट मैप क्या हो सकता है। दूसरा विषय होगा बंगाल का चुनाव। बंगाल के चुनाव में क्या मुद्दे, चार चरण का जो मतदान है, जो आप जब ये नेता नगरी शो देख रहे होंगे तब चौथे चरण का मतदान चल रहा होगा, कौन से मुद्दे प्रभावी रहेंगे, ममता बनर्जी फैक्टर, नरेंद्र मोदी फैक्टर, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, और लेफ्ट में कितना लेफ्ट बचा हुआ है, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। तीसरा विषय होगा कोविड को लेकर जो सरकार और विपक्षी दलों के बीच रस्साकशी चल रही है, राजनीति चल रही है, उस पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी में अमूमन हम सबसे पहले पॉलिटिकल मुद्दों पर बात करते हैं। उस तर्क के हिसाब से हमें बात करनी चाहिए थी बंगाल के चुनाव पर, या असम, केरल और तमिलनाडु, जहां वोटिंग कंप्लीट हो गई है और कयासबाजियों का दौर नए सिरे से शुरू हो गया है। लेकिन हमें लगा कि सियासत से ज्यादा जरूरी है इस वक्त सबसे पहले बात करना सुरक्षा के मसले पर, देश की आंतरिक सुरक्षा का मसला छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हुए एक बड़े नक्सली हमले का, एम्बुश का, अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल करूं, जिसमें हमारे 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, एक बंधक बना और फिर रिहा हुआ वार्ता के बाद। इस पूरे मसले पर भारत की नक्सलवादियों से लड़ने की रणनीति क्या है, इसमें कहां सुधार की जरूरत है, कहां इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, आगे का रोड मैप क्या हो, और इस पूरी घटना के अलग अलग अवयव क्या रहे, जिन पर पूरे देश की दुनिया में जो भी ललन टॉप के दर्शक हैं, जनता है, भारतीय जनता, उसकी नजर जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। पहले मेहमान हैं कमाल के पत्रकार और कमाल के लेखक, अपने पत्रकारी अनुभवों को एक बड़े नैरेटिव में तब्दील करने वाले राहुल पंडिता, जो कि ओपन मैगजीन के साथ जुड़े हैं और जिनकी वेस्टलैंड से एक किताब आई है अंग्रेजी में, जिसका शीर्षक है हेलो बस्तर, और हिंदी में जिसका शीर्षक है सलाम बस्तर, राइट? जी, जी। और ये वेस्टलैंड पब्लिकेशन से किताब आई है, मस्ट रीड बुक है। और जो राहुल पंडिता का एक आख्यान आता है एकेडमिक लाइफ में, इंटेलेक्चुअल लाइफ में, उसमें इस किताब का और अवर मून हैज ब्लड क्लॉट, जिस पर हमने विस्तार से किताब वाला में बात भी की थी, उसका बड़ा जरूरी योगदान है। तो ये किताब स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। राहुल पंडिता जी हमारे साथ हैं और ये दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दिल्ली में हैं राहुल जी? जी, इस वक्त दिल्ली में है। और जगदलपुर से, जो पूरा, जिसको हम लोग कलेक्टिवली कभी बस्तर कह देते हैं क्योंकि बड़ा सा जिला था बस्तर एक समय, अब उसके कई हिस्से हो गए हैं, जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बस्तर टॉकीज नाम का यूट्यूब चैनल चलाने वाले स्थानीय पत्रकार, जो घटना के बाद मौके पर भी पहुंचे थे टेकलगुड़ा में, जहां पर ये घटना हुई, जो बीजापुर और सुकमा का बॉर्डर एरिया पड़ता है, तर्रेम थाना पड़ता है। और आपने पहले भी ललन टॉप पर इस घटना के बारे में रानू तिवारी की बातचीत सुनी थी। तो ये दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आप दोनों लोगों से ये जानना चाहता हूँ, एक एक करके स्थानीय स्तर पर रानू के पास जो इनपुट हो और इनसाइट हो, और राहुल चूंकि दिल्ली में है और लंबे समय से इस पूरे विषय पर न सिर्फ नजर रखे हैं बल्कि किन लोगों की जवाबदेही हो, इसमें कौन से वो असहज करने वाले लेकिन बेहद जरूरी सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए, इसको लेकर लगातार ट्विटर पर दिख रहे हैं राहुल, उनसे पूछेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले एक दशक से भारतीय स्टेट, जो हमारे देश की सरकार है, वो बिल्कुल एग्रेसिव मोड में नक्सलियों को खत्म करने में लगी हुई है। ऑपरेशन ग्रीन हंट से वो एक सिलसिला शुरू होता है और अभी तक चल रहा है। सरकार बदली है, यूपीए से एनडीए की आई है, लेकिन इस एक विषय को लेकर
आक्रामक नीति में कंटिन्यूटी है जो कि होनी भी चाहिए, और इसी वजह से नक्सलियों का प्रभाव क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है। लेकिन इस घटना की फौरी वजह क्या लगती है, क्योंकि बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी बयान सामने आए हैं। कोई कह रहा है कि हमने भी मारा, कोई कह रहा है कि स्पेसिफिक इनपुट नहीं था, कोई कह रहा है कि इनपुट था, कोई कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि डूज एंड डोंट्स होते हैं जब इस तरह के ऑपरेशन हो, उसका पालन नहीं किया गया। जब आपने ये देखा मार्च करते हुए कि दो गांव पूरी तरह से खाली है, तो इसने पर्याप्त शक, पर्याप्त संदेह, पर्याप्त अलार्म क्यों नहीं रेज किए? रानू, सबसे पहले मुझे आप बताइए ग्राउंड पर क्या है स्थिति, क्या वजह रही? देखिए, यदि ग्राउंड की बात करें तो मैंने दो बार ग्राउंड किया। सबसे पहले तो मुठभेड़ के बाद तुरंत वहां पे पहुंचा, वहां का मंजर काफी खौफनाक था। गांव में 4 अप्रैल को वहां पहुंचे थे? हाँ, मैं 4 अप्रैल को वहां पहुंच गया था, और ग्राउंड पे इस तरह से लाशें बिखरी हुई थी गांव के भीतर लगभग 7 की संख्या में। गांव के ठीक बाहर जो खुला मैदान था जंगल के ठीक किनारे, वहां पे 7 लाशें बिखरी हुई थी। गांव के दूसरे हिस्से में टेकलगुड़ा के वहां पे भी 2 लाशें थी। पहाड़ियों पर भी लगभग 6 की संख्या में लाशें थी। इस तरह से लगभग 20 जवानों के शव वहां पे बिखरे पड़े हुए थे। जवानों के शरीर से जूते निकाल लिए गए थे, उनके हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट जो अमूमन नक्सली निकाल लिया करते हैं। एक नई चीज वहां पे ये थी, एक जवान के शरीर से पूरी तरह से कपड़े नक्सलियों ने निकाल लिए थे। अमूमन ऐसा होता नहीं, लेकिन वहां पे मैंने देखा कि नक्सलियों ने कपड़े भी निकाल लिए थे, और गांव में एक भी व्यक्ति नहीं था, एक भी ग्रामीण नहीं था, किसी से पूछताछ ऐसी कोई स्थिति नहीं थी वहां पे तत्काल में। जब आप वहां पर जाने पहुंचे तो वहां नक्सलवादी मौजूद थे उस वक्त? उस वक्त वहां पे नहीं थे, लेकिन ये जानकारी मिली कि हमारे पहुंचने से आधे घंटे पहले तक वहां पे जो बटालियन के नक्सली हैं उनकी मौजूदगी थी। उन्होंने वहां पे अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी गांव में, उन्होंने पूरी तरह से छानबीन की थी अलग अलग इलाकों की, और उसके बाद वे चले गए थे। हमारे पहुंचने के आधे घंटे के बाद फिर बैकअप टीम जो कि जवानों के शव को लेने गई थी वो वहां पहुंची, और हमारे सामने जवानों के शव को उठाया गया वहां से। दोबारा मैं परसों फिर गया हुआ था जब जवान नक्सलियों के अगवा में था, और ये बातें चल रही थी कि अगर कोई मध्यस्थता करे तो शायद जवान नक्सली उस जवान को सकुशल रिहा कर दें। हालांकि नक्सलियों ने अपनी बात रख दी थी कि सरकार की ओर से मध्यस्थता तय होनी चाहिए, तो सरकार ने हमें तो तय नहीं किया था, लेकिन फिर भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है सोनी सोरी, उनके साथ में हम लोग गए हुए थे। उस दौरान हमें ग्रामीण भी मिले वहां पे, तो ग्रामीणों से मैंने जो बातचीत की वहां पे उसे हमने बस्तर टॉकीज में भी किया है, और जिस चैनल में काम करता हूँ उसमें भी हमने इसको प्रसारित किया इस बात को, कि ग्रामीणों ने बताया कि जब मुठभेड़ शुरू हुई थी उस दौरान वे सभी गांव में थे, और जैसे ही फायरिंग शुरू हुई तो वे सभी अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर भाग गए। गांव में भी गोलियां बरस रही थी, घरों में भी गोलियों के निशान हैं जहां पे साफ देखा जा सकता है। उन्होंने जो चीज बताई कि पहाड़ी की तरफ से जवान पहले वापस आए टेकलगुड़ा की, और आधे जवान गाँव की ओर घुस गए थे और आधे जवान जो है खुले की ओर चले गए। मतलब ये था कि जिसे जिधर जगह मिली मोर्चा लेने के लिए जवान उस ओर भाग गए। मुझे ऐसा लगता है इस पूरे प्रकरण में कि रणनीति में एक बहुत बड़ी चूक हुई थी। दरअसल जिस तरह से हिड़मा को टारगेट करने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, बस्तर आईजी ने जो जानकारी दी थी कि 1800 जवान को उतारा गया है, और टारगेट सिर्फ इसमें हिड़मा ही था, और मुझे लगता है कि हिड़मा के बिहार में ये तैयारी काफी पूरी नहीं थी, कहीं ना कहीं चूक थी। मुझे ऐसा लगता है कि हिड़मा ने इन्हें ललचाया, और ये हिड़मा को टारगेट करने जरूर गए थे, लेकिन ये उनके बटालियन की नजर में शुरू से आगे गए थे, और इसीलिए हिड़मा ने अपनी बटालियन के माध्यम से बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ने फंसाया। वजह यह है कि हिड़मा को पता था कि जब ये टीम वापस लौट रही है तो कहां तक पहुंचेगी, टेकलगुड़ा की जो पहाड़ियां हैं जब वहां पर इनके ऊपर फायर खोला जाएगा अचानक, तब इन्हें अपने लिए मोर्चा लेने के लिए जो जगह ढूंढना होगा वो कितना कठिन होगा। या तो एक खुले की ओर जाएंगे या तो टेकलगुड़ा गांव में जाएंगे, और उसकी तैयारी उन्होंने पहले से कितनी, फायरिंग शुरू हुई गांव वाले तो अमूमन वहां के अभ्यस्त होते हैं इसके कि जब भी मुठभेड़ हो या फायरिंग हो तो भाग जाते हैं गांव छोड़कर। तत्काल जैसे फायरिंग हुई और जवान ठीक उसी तरह से जो रणनीति थी नक्सलियों की वो भागकर गांव की तरफ आए और मोर्चा लेने की कोशिश की। गांव में भी पहले से नक्सली मौजूद थे जिन्होंने उन्हें गांव में भी हिट किया। दूसरी ओर जो खुला इलाका था उस ओर भी पता था कि जब वहां से पहाड़ी के किनारे से इस तरफ भाग कर आएंगे तो खुले ओर भी मिलेंगे, छोटे के जंगल भी थे, वहां से नक्सलियों ने भी उन्हें हिट किया, तो इसलिए एक बड़ा नुकसान हुआ। बस्तर आईजी इस बात का जिक्र जरूर करता कि 9 से ज्यादा नक्सलियों को हमने मार गिराया है, जो
जो घायल जवान, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि हमने, मैंने दो को मारा, मैंने तीन को मारा, सबने अलग अलग आंकड़े दिए। यदि उन आंकड़ों को मिलाया जाए तो 30-35 की संख्या हो जाती है नक्सलियों की। लेकिन हकीकत ये थी कि नक्सलियों के इस पूरे, इन्होंने जवानों को चारा बनाया था और फंसा लिया था और नक्सलियों को बेहद ही कम नुकसान हुआ है। उन्होंने अपने पत्र में भी बात का जिक्र किया कि 4-5 नक्सली उनके मारे गए थे और उन्हें नुकसान कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है कि सच्चाई और निकल कर आई है कि जिस तरह से बस्तर आईजी ने कहा कि ट्रैक्टर में भरकर शवों को ले जाया गया, तो एक सबसे खास बात यह है कि पहाड़ी पे जिन 6 जवानों के शव एक साथ मिले हैं, उस पर लोगों की यह संदेह था कि पहाड़ी पर जवानों के शव एक साथ कैसे पड़े हुए, मतलब एक जवान के ऊपर दूसरे जवान का शव रखा हुआ है। दरअसल ये हुआ हड़बड़ी में, जब नक्सली जो मारे गए थे, नक्सली अपने साथियों के शव और घायल नक्सलियों को ले जाने के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था किया था उन्होंने, इस पे भी सच्चाई है, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में जवानों के शव को भी ट्रैक्टर में लोड कर लिया। और जब लोड करने के उन्होंने देखा ये तो जवान है, हमारे नक्सली नहीं है, तो उन्होंने फिर उन्हें एक स्थान पर उतार दिया ट्रैक्टर की ट्राली से, इसलिए वो 6 जवानों के शव वहां पे पड़े हुए थे, बाकी जवानों के शव अलग अलग बिखरे हुए थे। इस पूरे मुठभेड़ में मुझे जो बात समझ में आई, 2-3 चीजें। पहली चीज तो ये कि ये जो रणनीति है कहीं ना कहीं फेल हुई। हेडमा को टारगेट करने के लिए और भी पुख्ता रणनीति होनी चाहिए थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्राउंड पे जो डीआरजी की टीम लड़ती है, जो सीआरपीएफ की जो टीम लड़ती है, मुझे लगता है कि प्लानिंग में उनसे बहुत ज्यादा फीडबैक नहीं लिया गया था कि ग्राउंड में किस तरह की समस्या आती है, किस तरह से यदि आप फंस जाए तो बैकअप क्या करना चाहिए। बैकअप के समय इससे पहले भी पिछले साल मिनपा में जिस तरह से मुठभेड़ हुआ था, मिनपा के दौरान भी यदि आपने उस पर सर्च किया होगा तो आपको ये बात पता चलेगी कि वहां भी बटालियन को ही हिट करने के लिए बड़ी संख्या में फोर्स उतारा गया था और बटालियन ने उन्हें फिर से अपने चंगुल में फंसा लिया था। स्थिति ये हो गई थी ठीक इसी तरह से कि जवानों के शव को निकालना एक बड़ी चुनौती हो गई थी क्योंकि वे फंस चुके थे बुरी तरह, और वहां पे बैकअप टीम में सीआरपीएफ कोबरा, जिस पर बहुत बड़े आरोप लगे कि 500 मीटर दूरी पर बैठी हुई थी, लेकिन उन्होंने बैकअप नहीं दिया। और सीआरपीएफ को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र भी लिखा था केंद्र को उस दौरान, तो ये भी बातें आई थी। तो बैकअप को लेकर किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, ये किसी भी ऑपरेशन का एक अहम मुद्दा होता है, अहम मसला होता है कि अगर आप मान लीजिए फंस जाए तो आपको बैकअप तरह से दिया जाए तुरंत, और उसमें भी इस रणनीति में फेल हुआ। यही वजह है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद बैकअप की बात आप छोड़ दीजिए, आपके जवान जो शहीद हो गए उनके शव को आप रिकवर करने में आपको इतनी बड़ी मशक्कत, एक नया एक बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ता है, इस तरह की थी। और भी चूके हैं जिस तरह से गांव वालों को भरोसे पे आज तक लिया नहीं जा सका है। दूसरी बात, हम आएंगे रानू उस विषय पर आएंगे। राहुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, रानू ने जिस चीज का जिक्र किया, टैक्टिकल एरर क्या नजर आ रही है इस पूरे ऑपरेशन में, फिर हम ओवरऑल नक्सल के खात्मे को लेके अप्रोच पे बात करेंगे, पर फिलहाल इस ऑपरेशन पे मैं बात करना चाहता हूँ जो 3 अप्रैल को हुआ। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब भी आप किसी चीज से सबक लेना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि वी विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, हम अपनी गलतियों से सबक लिए। पर दुर्भाग्यवश छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों से जो हो रहा है, इस तरह के कई बार एनकाउंटर हो चुके हैं, एम्बुश हो चुके हैं, जैसे रानू ने भी जिक्र किया, और हमेशा ऐसा पाया जाता है कि नक्सली फोर्सेस पे कई बार हावी हो जाते हैं, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जो है उनकी मौत हो जाती है। जैसे 2010 में ताड़मेटला वाला जो इंसिडेंट है, अप्रैल 2010 में, उसमें 76 सुरक्षा कर्मी मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली ये बात है कि इसके बाद किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन या पोस्टमार्टम या अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती, और जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती, जाहिर सी बात है कि ऐसे बॉडी बैग्स आपको हर जगह चले जाते हैं उसके, क्योंकि आप अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते। अब इसी प्रकरण को हम देखें तो सबसे पहले एक पत्रकार की दृष्टि से, जो इस एरिया से काफी काम कर चुका, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से या उन लोगों से जिन्होंने इस ऑपरेशन को प्लान किया। सबसे पहले ये बात है कि आप कई बार आपने कहा कि ये एक स्पेसिफिक इनपुट्स पे, इंटेलिजेंस इनपुट्स पे हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ठीक है, आपने ऑपरेशन लॉन्च किया, आपको ये पता चला, जैसे सीआरपीएफ के डीजी ने भी अब इस बात को माना है कि उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट इस बात का था कि माड़वी हिड़वा जो है कुख्यात नक्सली कमांडर, बड़ी संख्या में अपने गुरिला फाइटर्स के साथ एक गाँव में मौजूद है। ठीक है, आप उसके अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, तो जैसे ही सुरक्षा कर्मी वहां पहुंचते हैं, वो ये पाते हैं कि वहां पर जिस लोकेशन, जो लोकेशन उन्हें दी गई थी, उस लोकेशन पर कुछ नहीं है।
इंटेलिजेंस फेलियर यहीं से शुरू हो जाता है। उसके बाद जब आप वहां से वापस लौटते हैं अपने अपने कैंप शेटू की तरह, तो मैंने कई इंटरव्यू देखे जिसमें सीआरपीएफ के अधिकारी ये कह रहे हैं कि उन्हें ड्रोन से लगातार विजुअल मिल रहे थे कि नक्सली उन्हें चारों तरफ से घेर रहे हैं। अगर नक्सली उन्हें चारों तरफ से घेर रहे हैं तो इस बात की कोशिश क्यों नहीं की गई कि उनको आउटफ्लैंक किया जाए, जैसे गुरेला वॉरफेयर में होता है कि अगर वो आपके खिलाफ घेरा बना रहे हैं तो आप उनके खिलाफ घेरा बनाए, इस तरह की कोई रणनीति क्यों नहीं की गई। और छोटे छोटे साइन जैसे राहुल वगैरह दो गांव आपको खाली मिल गए, मैंने अपने विजडम में कई बार पाया है कि जब छोटी छोटी अनयूजुअल बिहेवियर लोकल पॉपुलेशन का है अगर आप उस पर नजर रखते हैं तो कई बार बड़ी घटना होने से बच जाती है। इस घटनाक्रम में इस तरह की कोई संकेत नहीं मिले। जब आपको अनयूजुअल बिहेवियर लगा कि दो गांव खाली है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये नक्सलियों का बड़ा ट्रैप है। तो लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी भी आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। आप ये झूठ बोल रहे हैं कि इसमें कोई ऑपरेशन फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। एक छोटी सी बात मैं और करना चाहूंगा और उसके बाद अब हमने बातचीत जारी रख सकते हैं। मैं सीआरपीएफ डीजी का साक्षात्कार देख रहा था, उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है, कई सारी एजेंसीज को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा नहीं ये तो ऑपरेशन फेलियर नहीं था, इसमें 23 नक्सली जो है वो भी मारे गए। सबसे पहली बात है इस बात के कोई सबूत नहीं है कि 23 नक्सली मारे गए। नक्सलियों ने सिर्फ 4 लोगों के मरने को एक्नॉलेज किया है और घटनास्थल से सिर्फ एक नक्सली महिला गुरीला की लाश मिली है। चलिए एजम्पशन के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि 23 लोग उनके भी मारे गए, पर ये 1:1 का रेशियो हो जाता है। मतलब हर नक्सली के बदले उन्होंने आपका एक एक आदमी मार दिया। तो वर्ल्ड वाइड काउंटर इंसर्जेंसी में जब आप करते हैं तो उसका रेशियो होता है 8:1 कि 8 इंसर्जेंट्स को अगर आपने मार दिया और उसके बदले अगर आपका एक जवान एक सोल्जर मारा जाता है तो ये एक्सेप्टेबल नॉर्म है, खासकर ऐसी घटना पे जब आप ये स्पेसिफिकली कहते हैं कि हम उनके पीछे गए थे। पर इसमें तो ये पता चला कि वो आप उनके पीछे नहीं गए थे, वो आपके पीछे गए थे। और ये जैसे रानू ने भी कहा ये हमेशा के लिए जाल थे। और इसमें ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है, कोबरा जो फोर्सेस हैं तो इसी तरह की वॉरफेयर के लिए ट्रेन दी गई। लेकिन रानू ने भी जिस बात की तरफ इशारा किया उस बात को रख के मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि जो लोकल कमांडर हैं, जो लोकल ऑफिसर हैं, जो वहां कई सालों से काम कर रहे हैं, उनको आप मालूम है कि आदिवासियों का उठना बैठना क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं, नक्सली कैसे काम करते हैं। जब अब बाहर से अधिकारी आते हैं तो उनका कोई भी इनपुट नहीं लिया जाता। ये वहां मेरी लगातार सीआरपीएफ के लोगों से बात होती है, लोकल कमांडर से बात होती है, उनके दिल में इस बात को लेकर बड़ी ठेस है कि हमको कोई इनपुट नहीं लिया जाता। और चूंकि उस अधिकारी जो प्लान करता है वो सीनियर होता है तो उसके खिलाफ वो कभी कुछ बोल नहीं पाता। एक व्यक्ति का बार बार जिक्र आ रहा है, एक नक्सलवादी का, आतंकवादी का, जिसका नाम है माडवी हिडमा। माडवी हिडमा है क्या, मतलब मिथ है, रियलिटी है, कितनी तस्वीरें, कितना इंटेलिजेंस, उसकी एज, उसकी लोकेशन, वो किन किन हमलों में शामिल रहा है? राहुल जी और रानू, मैं इस पे थोड़ा आप लोगों को जानना चाहता हूँ कि लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की। आप लोग बार बार एक बटालियन का जिक्र कर रहे हैं, उस बटालियन की क्या हिस्ट्री है माओवादियों के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, माडवी हिडमा एक बहुत ही कुख्यात कमांडर है। वो जो पीएलजीए की 1 बटालियन है, पीएलजीए माने सीपीएम माओवादी की जो मिलिट्री बटालियन है, पीपल्स लिबरेशन गुरिला आर्मी, उसकी बटालियन नंबर 1 है, उसका कमांडर है। तो मुझे इस बात से भी कोई अचरज नहीं होगा कि अगर बाद में इस बात का खुलासा होगा कि हिडमा दरअसल एक आदमी, हिडमा बहुत आदमी है, लेकिन पीएलजीए बटालियन 1 का जो मेन कमांडर है वो हिडमा है। लेकिन फिलहाल इसी बात का आकलन ये लगाया जा रहा है कि माडवी हिडमा एक ही आदमी है जो लगातार बीजापुर में पुलिस प्रशासन को टीज कर रहा है, कभी फोन करता है, कभी कुछ करता है कि आओ मेरे मेरे स्ट्रांग होल्ड में आओ, अगर हिम्मत है तो मेरे स्ट्रांग होल्ड में आओ। ओके, रानू इसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे हिडमा वाले में? सर की बात तो मैं सुन रहा था और सर तो मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन एक बात पे मैं एक और नई जानकारी देना चाहूंगा यहाँ पे। राहुल सर भी जानते होंगे, जगदलपुर में एक सरेंडर्ड नक्सली है बदरन्ना। राहुल सर आप जानते हैं ना बदरन्ना को? हाँ, मैं मिल चुका हूँ बदरन्ना। बदरन्ना दरअसल वो इस बात की पुष्टि करता है, उस दिन मेरी उससे बात हो रही थी, कल बस्तर टॉकीज में उसको लेकर भी आप एक एपिसोड देखेंगे, उससे मैं बातचीत करने वाला हूँ। बदरन्ना ने ही हिडमा को संगठन में भर्ती किया था जब उसकी उम्र 16 वर्ष थी। पुअर्थी का रहने वाला है माडवी हिडमा और बदरन्ना उस समय उस एरिया का कमांडर हुआ करता था।
मेरी बदरन्ना से इस मुठभेड़ को लेकर और तमाम चीजों को लेकर बातचीत हुई, तो उसने बताया कि सन 90s के दौर पर, हालांकि उसे भी सन याद नहीं है, तरवेम में उसने इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था जिसमें 17 जवानों की मौत हुई थी। उसने भी बताया कि उसकी टीम को भी इसी तरह पुलिस वालों ने घेरने की कोशिश की थी, जिसकी जानकारी उसे मिली थी और उन्होंने उसे ट्रैप कर लिया था पहले ही, और जैसे ही टीम उनके दायरे में पहुंची थी उन्हें एक बड़ा ब्लास्ट किया था, 17 जवान उसमें शहीद हुए थे। उस दौरान मैंने बद्रन्ना से यह भी सवाल किया कि माड़ी हिडमा को लेकर क्या कहेंगे, तो उन्होंने बताया कि जब वो उस तरफ उस एरिया के कमांडर हुआ करते थे, 16 वर्ष की उम्र थी हिडमा की, तब उन्होंने ही हिडमा को संगठन में भर्ती किया था। यहाँ तक कि बद्रन्ना ने, राहुल सर आपको अपने विस्तार से यदि चर्चा की होगी तो, पापा राव जो कि आज संगठन का बहुत बड़ा नाम है, पापा राव की भर्ती भी बद्रन्ना ने ही की थी संगठन में, बद्रन्ना के अनुसार, और रमन्ना ने बद्रन्ना की भर्ती की संगठन। तो उसने बताया कि हिडमा जो है ये कोई मिथ नहीं है, पद नहीं, जिस तरह से गुटसा उचंडी है कि पहले ना नक्सली था लेकिन अब वो एक पद नाम हो चुका है, लेकिन हिडमा अभी भी जीवित है, बलिष्ठ है, बहुत ताकतवर है। उसको लेकर तमाम तरह की अफवाहें जरूर उड़ रही हैं कि हिडमा फर्राटे से अंग्रेजी बोलता है, कंप्यूटर का जानकार है, इतना तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि लड़ने वाले नक्सलियों में बहुत मजबूत हिडमा एक कमांडर है। उसके दलम के साथ जो लोग रहते हैं उसकी टीम के साथ, वो सभी मिलिट्री की तरह ही तैयार रहते हैं, ट्रेंड रहते हैं, मतलब किसी भी हद तक गुजरगा जाने की क्षमता उनके अंदर रहती है, उनको ट्रेंड किया जाता है। मैं उन्हें महिमा मंडित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जवानों से लूटे हुए बुलेट प्रूफ जैकेट वो सारे हिडमा के बटालियन के लोगों के पास होते हैं, यूबीसीएल और सारे ऑटोमेटिक वेपन्स, मतलब उनके पास में भरमार 303 जैसे हथियार भी नहीं होते, सबके पास में इंसास और AK-47 इसी स्तर के हथियार होते हैं, LMG होती है, और बुलेट प्रूफ जैकेट, सभी मिलिट्री वाले शूज जो जवानों से लूटा करते हैं वो शूज पहने होते हैं। तो इतनी मजबूत होती है टीम और इनकी तैयारियां इतनी ज्यादा मजबूत होती हैं कि किसी भी ऑपरेशन को जब भी इन्होंने अंजाम दिया है तो उस ऑपरेशन में बहुत बड़ा नुकसान जवानों को उठाना पड़ा है। और बार बार ये सवाल आया है कि आखिर जब हिडमा को टारगेट करना होता है, यहाँ तक कि कुवर्ती का जो इलाका है, कुवर्ती का वो इलाका ही ऐसा है जो हिडमा का इलाका है, जिस ओर अगर फोर्स जाती है तो उन्हें एक नुकसान उठाकर ही लौटना पड़ता है। इससे पहले के जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो इस बात की गवाही भी करते हैं कि उस इलाके में जब फोर्स घुसती है तो एक बड़ा मुठभेड़ होता है नक्सलियों के साथ में। तो ठीक इसी तरह से हिडमा एक बहुत मजबूत नक्सली है। और सबसे खास बात यह कि जब मैं उसे टेकलगुड़ा में ग्रामीणों से पूछ रहा था, टेकलगुड़ा से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर हिडमा का गांव है कुवर्ती, जहां पहुंच पाना काफी मुश्किल है, मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ हमने हिडमा का नाम सुना है, लेकिन अब वो डर के मारे या कैमरे के सामने बोलना नहीं चाह रहे थे या खुलासा नहीं करना चाह रहे थे। हर किसी ने यह कहा कि हमने हिडमा को देखा नहीं आज तक, हमने हिडमा का नाम सुना है केवल, और हिडमा इस इलाके का एक बड़ा कुख्यात नक्सली है। तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि हिडमा मिथ नहीं है या कोई पद नहीं है, जीवित व्यक्ति है, काफी बलिष्ठ है और बहुत मजबूत है संगठन। अच्छा, टीकापुरे में दरअसल सौरभ, जैसे रानू ने बताया, हिडमा वर्ती का रहने वाला है और ये जो टेकलगुड़म गांव है इसी गांव से उसकी शादी हो रखी है। इस गांव में उसके इन-लॉज जो हैं इसी गांव में रहते हैं टेकलगुड़म, और ये वो इलाका है जहां पर काफी समर्थन हासिल है, चूंकि लोकल लड़का है और आसपास उनकी सुरक्षा करता है एक तरह से, रॉबिनहुड जैसी छवि है माड़वी हिडमा की इस एरिया में। ओके, तीसरी चीज जिस पे मैं आप लोगों का इनपुट जानना चाहूंगा वो ये है कि हमने कई मीडिया रिपोर्टों में पढ़ा कि ये जो जनवरी फरवरी से लेके अप्रैल मई तक का समय होता है ये उनकी तरफ से काउंटर ऑफेंसिव का समय होता है और तमाम बड़ी घटनाओं का एक ब्यौरा दिया जाता है, एक सिलसिला बताया जाता है। दूसरी तरफ जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सेंट्रल फोर्सेज हैं और जो स्टेट की फोर्सेज उनके साथ हैं इस नक्सल ऑपरेशन में, वो नए एरिया में घुसने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि कई दर्शकों को ये जानकर अचरज हो, ये जब मैं अपने 2-3 दफा का जो मेरा दंतेवाड़ा का दौरा है उसमें मुझे पता भी चला कि अभी भी दंडकारण्य का एक बड़ा इलाका ऐसा है जिसकी मैपिंग नहीं कर पाए हम एज एन इंडियन स्टेट। हमें नहीं पता है कि उन जंगलों में रिहायश कहाँ पर है, वाटर बॉडीज कौन सी हैं और बाकी सारी चीजें।
जो हम सर्वे की बात करें तो इन्होंने किस एरिया में डोमिनेंस की कोशिश की, क्योंकि जब सरकारें अपना पक्ष रख रही हैं तो कह रही हैं कि हमने देखिए वहां थाना खोला, सड़क बनाई, इन सब चीजों से नक्सली असुरक्षित महसूस कर रहे थे, इस पर थोड़ा सा मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगा। देखिए ये बड़ा विशेष सर्कल है। सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि नक्सलियों की एंट्री इस एरिया में कब होती है। जी नक्सलियों की एंट्री इस एरिया में जून 1980 में होती है, जब पीडब्ल्यूजी के संस्थापक, पीपुल्स वॉर ग्रुप के संस्थापक कोंडापल्ली सीतारामैया के जहन में ये आइडिया आता है कि गुरिल्ला पद्धति के अनुसार एक रियर बेस माओवेस्ट गुरिल्लास के पास होना चाहिए। जब आंध्रा में, जो तब आंध्रा था, तेलंगाना नहीं था, अगर वहां पर स्टेट रिप्रेशन होता है, मतलब उनके खिलाफ ऑपरेशन होते, तो उनको कम से कम एक ऐसी जगह, एक ऐसा सेफ सेंचुरी मिलनी चाहिए जहां पर उनके माओवादी गुरिले छिप जाए। तो उस दृष्टि से 5-7 टीम जो है उस वक्त, जिसे आज हम दंडकरण या स्पेशल जोन कमेटी के नाम से जानते हैं, माओवादी उसे कहते हैं, तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग टीम्स गई और धीरे धीरे उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड वहां जमाया। अब ये उस इलाके, उस जमाने की बात है जब इस इलाके के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम था और बिल्कुल किसी भी तरह का डेवलपमेंट, किसी भी तरह का विकास इस एरिया में नहीं था। और स्टेट क्या होता है, इंडियन स्टेट क्या होता है, नेहरू एंड फाइव ईयर पॉलिसी क्या होती है, इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं। फैक्ट्रियां थी, माइंस थी, लेकिन उसका किसी भी तरह का फायदा जो है वहां के लोकल आदिवासी को नहीं मिलता था। तो ऐसे में अपनी पैठ जो है धीरे धीरे माओवादी गुरिल्लों ने अपनी बनाई। वहां पर जो टिपिकली स्टेट के पहला रिप्रेजेंटेशनल फोर्स होता है वो थोड़ा क्रूअल होता है, वो थोड़ा क्रूर होता है। मतलब एक दारोगा है कहीं, या उस जमाने में एक चीज होती थी पुलिस पटेल, जो अंग्रेजों के जमाने से पुलिस पटेल, मतलब वो जो नॉर्मली सीआईडी टाइप का आदमी है जो उस पर नजर रखता है, उस तरह का आदमी है, या फॉरेस्ट ऑफिसर को पेटी फॉरेस्ट ऑफिसर है जो आदिवासियों की कई तरह से प्रताड़ना करता था। उनसे आदिवासियों को बचाते हुए धीरे धीरे वो लोग पॉपुलर हो गए। पहले पहले जब वो माओवादियों को देखते थे आदिवासी, कि मैंने उस वक्त जो सेंट्रल कमेटी के जो बड़े शीर्ष नेता माओवादी उस वक्त गए, उनसे मैंने काफी लंबी बातचीत की है इस बारे में, तो उस वक्त जब वो जाते थे तो आदिवासी उनसे डर के दूर भाग जाते थे, उनको लगता था ये डकैत है। पर धीरे धीरे वहां से इन्होंने धीरे धीरे अपना शुरू किया। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रिड की क्या सोच है, यहाँ पर स्टेट की क्या सोच है, लेकिन ये जो सलवाजुड़म वाला मामला है जिसमें आपने सिविलियंस को, छोटे लड़कों को एक बंदूक थमा दी, उसको थोड़े पैसे थमा दिए और उनको माओवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा, इसने माओवाद के विस्तार में बहुत अहम भूमिका निभाई। जैसे मैंने कहा यहाँ पर आप सिक्योरिटी ग्रिड के लोगों से बात करेंगे तो वो नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन जो सीआरपीएफ के अधिकारी, जो पुलिस के अधिकारी ग्राउंड पे वहां काम करते हैं, अगर आप उनसे कभी पूछिएगा तो वो इस बात की पुष्टि करेंगे कि सलवाजुड़ो में एक बड़ा फैक्टर है जिससे इतनी एट्रोसिटीज वहां बढ़ी कि उनका जो लॉयल्टी है वो माओवादियों के प्रति स्ट्रेंथन हो गया। इनफैक्ट जो पहली रिपोर्ट थी कि ये कोई बड़ा हादसा हो सकता है और बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है ये पूरा मूवमेंट सरकार के लिए, इसकी पहली रिपोर्ट सीआरपीएफ के एक अधिकारी ने उस वक्त गृह मंत्रालय को भेजी थी, पर उस पर कुछ हल सोच हुई नहीं। तो धीरे धीरे अब आज की स्थिति ये है कि जैसे मैंने कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में भी कहा कि माओवादी संगठन अब काफी सिकुड़ चुका है। ये जो पूरा इलाका है जिसमें रानू अभी गए हैं, काफी जगहों पर सड़क बन गई है, मोटरेबल रोड है, जैसे दोरनापाल से जगरगुंडा की तरफ सड़क बन गई है, जगरगुंडा यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं, ये पोवर्ती जो है जगरगुंडा थाना क्षेत्र में पड़ता है जो माड़वी हिड़मा का गाँव है। और पूरी जो इनकी फोर्स जो है ये सुकमा बीजापुर तक सीमित है। इनफैक्ट तेलंगाना स्टेट कमेटी जो है सीपीएम हाउस की, वो भी इसी एरिया में है, वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें सबसे बड़ी आयरनी ये है कि ये बात सच है कि हम इंडियन स्टेट जो है माओवादियों के खिलाफ जो जंग है वो जीत रहा है, पर मेरी छोटी सी अर्ज ये है कि इसको जीतने के लिए इतने लोगों का बलिदान देना जरूरी नहीं है, ये सेंसलेस है। जब सीआरपीएफ या किसी भी सुरक्षा, कोई भी सुरक्षा कर्मी इस एरिया में जाता है तो वो ये मान के चलता है कि उसकी मौत हो सकती है, ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, वो मरने के लिए तैयार है।
अगर किसी अगर कोई बड़ा ऑपरेशन हो, एनकाउंटर हो, आमने सामने की लड़ाई हो, उसमें सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, तो ये इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, ये उनकी ड्यूटी है और उसके लिए पूरा देश उनके लिए कृतज्ञ रहेगा। लेकिन ऐसे सेंसलेसली मरना, डाइंग फॉर नथिंग, इससे बड़ा दुख होता है, इससे बड़ी पीड़ा पहुंचती है मन को, जो बड़ी आसानी से ठीक हो सकता है। ओके रानू, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? मैं ये बताना चाह रहा था कि आपने एक सवाल किया कि बस्तर का अभी भी एक दंडकारण्य का एक इलाका है जिसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। तो इलाका दरअसल अभुजमाड़, अभुजमाड़ का अभी भी सर्वे नहीं हो पाया है, वहाँ के गांव की लोकेशन, बहुत सारी जानकारियां सरकार के पास नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब सरकार इस कोशिश में है कि अभुजमाड़ का भी सर्वे किया जा सके, लेकिन वो शुरुआत हुई है, लेकिन वो पता नहीं अंजाम तक पहुंच पाएगा नहीं। वजह यह है कि उस इलाके में भी माओवादियों की बहुत मजबूत बैठ। दूसरा जो इलाका आपने कहा कि जो फोर्स कहती है कि हम किन इलाकों तक घुस गए हैं, तो जो माड़वी हिड़मा का जो इलाका है, जो बटालियन नंबर वन का जो इलाका है, उस इलाके को एक स्क्वायर की तरह से घेरने की कोशिश जरूर की गई, जो कि सुकमा जिले का है। आपको मैं यदि नक्शे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि दोरनापाल से जगरगुंडा जो रोड जाती है, उस पूरे रास्ते को पूरा कैंप से भर दिया गया है, वहां तक सड़क बना दी गई है जगरगुंडा तक। और ठीक अगर आप दोरनापाल से कोंटा की ओर आगे बढ़ेंगे और इंजरम के पास से फिर भेजी के अंदर घुसेंगे, तो इंजरम से भेजी तक का इलाका भी सड़क बनाने की कवायद पूरी हो गई है लगभग। अब भेजी से जगरगुंडा को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि एक पूरा स्क्वायर कैंपों के बीच में और सड़कों के जाल के बीच में आ जाए। और ऐसा मानना भी हमेशा कहा जाता है कि सड़कों से विकास आता है, तो सरकार को भी उम्मीद है कि जब पूरे सड़क से एक स्क्वायर बना दिया जाएगा, वो इलाका कम से कम बटालियन के कब्जे से मुक्त हो जाएगा। और वही ये जो बासागुड़ा से जो एक कवायद की जा रही है, बासागुड़ा से जगरगुंडा को जोड़ने की, तो ये अगर सड़क बन जाएगी तो सड़क में आवाजाही बढ़ेगी, जिस तरह से किसी समय में ये हुआ करता था कि सुकमा से कोंटा जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन आप रात को 1 बजे सुकमा से कोंटा जा सकते हैं, सड़कें बहुत शानदार बन गई, सड़क बन गई है, तो आवाजाही लगातार हो रही है, जिससे माओवादियों को सड़क क्रॉस करने में तकलीफ होती है। हालांकि अभी भी वो लगातार जब उनको क्रॉस करना होता है तो बीच में बैनर पोस्टर बांध के रात में डराने का काम कर लेते हैं और उनको आराम से आवाजाही कर लेते हैं, लेकिन उन्हें तकलीफ तो बढ़ी है इस बात से, उन्हें पार करने में तकलीफ हुई है। और यही चीज है कि इस इलाके में फोर्स ने घुसपैठ बनाई है और इसका खामियाजा भी है कहीं ना कहीं। ये जो तर्रेमपुर नया कैंप लगाने की कोशिश है कि इस रोड को बासागुड़ा से जगरगुंडा तक जोड़ दिया जाए, जो बहुत लंबे वर्षों से बंद पड़ी सड़क है, मैं अभी जब परसों जा रहा था तो मैं जगरगुंडा से बासागुड़ा की सड़क पे मैं देख रहा था, उस सड़क में पता नहीं कितने लंबे समय से आवाजाही बंद हो गई है, पेड़ों सड़कों पे पेड़ उग गए हैं, उसके बावजूद भी नक्सलियों ने वहाँ स्पाइक्स के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे दूर दूर तक खोदे गए हैं, इतनी मेहनत की है ताकि उस सड़क को कतई निर्माण ना किया जाए। उन्हें भी पता है यदि इस रोड से आवाजाही शुरू हो गई तो कहीं ना कहीं वहां भी उनकी जो पैठ है वो कमजोर हो जाएगी। तो अभुजमाड़ इलाका है जो आपने पूछा, जिसकी सर्वे नहीं हुई है, जिसका सर्वे करना है, शुरुआत हुई है, पता नहीं अंजाम तक पहुंचेगी कि नहीं, और वो इलाका जहां जवानों की घुसपैठ है, तो वो माड़ी हिड़मा का जो इलाका है, वहां ये कोशिश और ये कवायद जारी है, क्या कुछ हद तक सफलता मिली है? जी राहुल जी, इस बातचीत के अगले हिस्से में मैं थोड़ा सा 3-4 विषयों को छूना चाहूंगा। एक तो ये कि क्या पीपल सर्टेन सेक्शन विच इज टॉइंग अराउंड विद द आइडिया की देर शुड बी क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस टू गिव अ फाइनल सॉल्यूशन, एक हम इस पे बात करना चाहेंगे। एक जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, सीएपीएफ हैं, उसमें एक लंबे समय से ये मांग भी चल रही है कि नीचे से आप रिक्रूटमेंट करते हैं सिपाही के लेवल पर, एसआई के लेवल पर, कमांडेंट के लेवल पे, लेकिन उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो आईपीएस ऑफिसर्स से बनी है जिनको उस फोर्स के नेचर का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता है। उनका आर्ग्यूमेंट है, कैन यू इमेजिन आर्मी यूनिट और बटालियन जिसमें सिपाही से लेके मेजर कर्नल तक तो एक इकोसिस्टम से निकले लोग हों, लेकिन उनके ऊपर जो लोग बैठे हैं ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह, वो एक दूसरे इकोसिस्टम से आए हों, तो एक इस चीज को लेके बहुत बात चल रही है। बात इसकी भी चल रही है कि आप अपने अपने ऑफेंस को किस नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं, मतलब कितना बड़ा ऑपरेशन आप लॉन्च कर सकते हैं। मैं इन सब चीजों पर बात करूंगा आपसे, पूछूंगा ये सब सवाल एक एक करके, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो माओवादी लीडरशिप है,
हमारे पास जो भी जानकारी है इंटेलिजेंस के जरिए रफ्तों के जरिए, इसका मौजूदा स्ट्रक्चर क्या है? क्योंकि एक बात ये भी आई कि हिडमा वो पहला छत्तीसगढ़ का आदिवासी है जो सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचा। लोगों ने कहा कि इस पूरे माओवादी लीडरशिप में आंध्र प्रदेश के जो नक्सली हैं उनका डोमिनेंस रहा, कभी रमन्ना का जिक्र हुआ कभी किसका। क्या जानकारी है हमारे पास इनकी टॉप सो कॉल्ड लीडरशिप को लेकर? देखिए, इससे इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा कि सीपीआई माओवादी का गठन कैसे होता है। सीपीआई माओवादी का गठन तीन पार्टियों के विलय के बाद होता है। सबसे अहम जो इसमें पार्टी है वो पीपल्स वॉर ग्रुप है, जिसकी स्थापना कोंडापल्ली सीतारामैया आंध्र प्रदेश में 1980 में करते हैं। ये इस इलाके में सक्रिय हो जाती है और उस वक्त एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाता है और इसमें तमाम तरह के, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के, आदिलाबाद से, वारंगल इंजीनियरिंग कॉलेज से जो उस वक्त के टॉपर हैं, उस तरह के लोग वो नक्सल आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर पीडब्ल्यूजी को ज्वाइन करते हैं। कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। एक सबसे पहले सो कॉल्ड मार्टर जो है पीपल्स वॉर ग्रुप के, वो एक यंग लड़का था पेदी शंकर, जो आदिलाबाद की श्रृंगेरी कोल माइंस में उसका परिवार काम करता था, एक दलित लड़का था। और ही इज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल पर्सन टू ज्वाइन, अर्ली 20s में एक लड़का है वो ज्वाइन करता है और उसकी ठीक थोड़ी देर के बाद, दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है एक एनकाउंटर में, जब वो तेलंगाना आदिलाबाद से गढ़चिरौली की तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे ये विस्तार बढ़ता जाता है पीपुल्स वॉर ग्रुप का। 98 में इसका विलय होता है एक छोटी माओवादी पार्टी जिसका नाम है पार्टी यूनिटी, तो ये दोनों एक हो जाते हैं। और उसके बाद माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर MCC जो पार्टी है जो बिहार में और झारखंड में जो सक्रिय है, इन लोगों के साथ इनका विलय हो जाता है। और 2004 में जो है सीपीएम माओवादी एक अम्ब्रेला ग्रुप बनता है, सीपीएम माओवादी बनती है। इनका स्ट्रेंथ जो है, इनका हौसला जो है, इनकी ताकत जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मिड 2000s में जब आपने देखा होगा कि ये बहुत बड़ी इसकी चर्चा जो है दिल्ली में पहली बार एडिटर्स इसका नोटिस जब लेने लगे तो वो मिड 2000s के दशक में होता है। जैसे हम 1999 में जब हम लोग जाते थे, मैं आंध्रा में था जब पीपुल्स वॉर ग्रुप और पार्टी यूनिटी का विलय हुआ, और उस वक्त हम अपने एडिटर्स को यहाँ कहते थे कि सर ये दिस इज बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम। तो उस जमाने में हमको ये सुनने को मिलता था, क्या यार ये वारंगल की प्रॉब्लम लेकर आ गए हो, तो उनको लगता था कि ये लोकलाइज प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप उस वक्त इस इलाके में छत्तीसगढ़ में ट्रेवल करते थे तो आपको एक आइडिया लग जाता था कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बनने वाली है। जिसके संकेत मुझे पता नहीं है कि वो सरकार के पास थे या नहीं। तो ये एक बड़ा संगठन बन जाता है। इनकी जो शीर्ष जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसे सेंट्रल कमेटी कहा जाता है, जिसका रूप पॉलिट ब्यूरो। इसमें बड़े तमाम तरह के शीर्ष नेता थे। इसके नेता हाल फिलहाल तक गणपति थे, किशन जी नंबर टू थे, जिन्होंने लालगढ़ को वेस्ट बंगाल को एक लिबरेटेड जोन में तब्दील किया। उसके बाद नवंबर 2011 में उनकी मौत हो गई। अनुराधा गांधी एक महिला थी जो सेंट्रल कमेटी का हिस्सा थी, जो 2008 में अप्रैल 2008 में मलेरिया से उनकी मृत्यु हुई। तो इस तरह के लोग सेंट्रल कमेटी में थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस का एक और इंटेलिजेंस एजेंसी का एक ऐसा ऑपरेशन चला कि ये जो तमाम बड़े नाम थे, प्रमोद मिश्रा की तरह, वाराणसी सुब्रमण्यम, इस तरह के लोग जो सेंट्रल कमेटी का हिस्सा थे, कोवाड़ गांधी सितंबर 2009 में दिल्ली से गिरफ्तार हुए, तो बहुत बड़ा एक चला। और बड़े जो नेता हैं वो मारे गए, तो उस कई लोग अरेस्ट भी हुए, तो उससे उनकी ताकत पे काफी असर पड़ा। और बीच में ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जो सेंट्रल कमेटी की लीडरशिप है वो एज हो रही है, वो बूढ़े हो रहे हैं काफी, उनके बारे में क्या किया जाए। लेकिन हाल फिलहाल में लगता है कि कई जगह जो रिक्त स्थान है सेंट्रल कमेटी में वो यंग लोगों से भरी गई है। जैसे हिडमा ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी विगत कुछ वर्षों से माओवादी पार्टी से कोई संपर्क नहीं है,
किसी भी जर्नलिस्ट का जो उनके साथ काफी एम्बेडेड रहता था, जैसे हम एक जमाने में बहुत ट्रैवल करते थे, एम्बेड होकर ट्रैवल करते थे, पर वो अभी उस तरह की संभावना बन नहीं पा रही है। लेकिन ये बात भी सच है कि ये जो तमाम शीर्ष लीडरशिप है माओवादी पार्टी का, ये मोस्टली तेलुगु डोमिनेटेड है, और इसको लेकर तरह तरह की कलह भी बार बार लगातार हो रही है। जैसे उड़ीसा में सब्यसाची पांडा जो माओवादी नेता थे, उनकी एक बड़ी तकरार हो गई थी, और उन्होंने इस बात को लेकर एक बड़ी चिट्ठी लिखी माओवादी शीर्ष नेताओं को कि यहाँ पर जो है तेलुगु क्वार्टर जो है हमको डोमिनेट करता है। तो आदिवासियों में भी बहुत सेंट्रल कमेटी में बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है नहीं, सिर्फ एक आदमी हुए हैं जो सेंट्रल कमेटी का हिस्सा बने, मिसर बेसरा उनका नाम था, जिनको झारखंड में एक जमाने में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद लखीसराय की एक अदालत से माओवादी उनको छुड़ा के ले गए। एक शीला दीदी हुआ करती थी जो आदिवासी थी, वो भी सेंट्रल कमेटी का हिस्सा बन गई। लेकिन इसके अलावा अभी तक और कोई ऐसा नाम नहीं है आदिवासियों के बीच में जो उतना बड़ा नाम है जितना मारवी हिडमा। रानू, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे पावर स्ट्रक्चर में? देखिए, हाँ, सर ने तो खैर पूरा खाका ही खींच दिया है नक्सलवाद का, और उन्होंने तो इस पर किताब लिखी है। नक्सलवाद तो जिसको समझना हो उन्हें तो पढ़ना जरूर चाहिए। हिडमा के बारे में मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह से उसे 2017 में ये बात निकल कर आई थी, क्यों राहुल सर सही बोल रहा हूँ अगर मैं, कि हिडमा को सीसी प्रमोट कर दिया, हालांकि नक्सलियों की तरह से इस पर पुष्टि करने के लिए किसी तरह पत्र जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो एक बड़ी जो बैठक होती है जो जिसे वो कांग्रेस कहते हैं, उनका जो कांग्रेस सम्मेलन होता है, उसमें इस बात का फैसला करके इसे सहमति से किया जाएगा, लेकिन उसे सीसी प्रमोट कर दिया गया है। इसके पीछे एक दूसरी चीज मैं बस्तर के लिहाज से जो मैं देख रहा हूँ कि बस्तर में आदिवासियों के बीच में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस बात को बार बार जिक्र किया करते हैं कि नक्सली जो है वो बस्तर के आदिवासियों को बरगला कर सिर्फ सामने उपयोग किया करते हैं, और बार बार ये सवाल यहाँ पर सुरक्षा बलों के अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों के सामने रखा जाता है कि यदि नक्सली बस्तर के आदिवासियों के हिमायती होते तो आखिर जो आदिवासी नक्सली हैं उन्हें शीर्ष पदों पर क्यों नहीं बैठाया जा रहा। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब देने के लिए भी उन्हें एक ऐसा एक जरूरत था कि किसी एक ऐसे आदिवासी लीडर को जो इस समकक्ष हो। राहुल सर ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि सीसी मेंबर बनने के लिए भी एक बहुत सारे दायरे हैं, क्राइटेरिया जिसे पार करना होता है, जिसमें उनकी पढ़ाई भी बहुत जरूरी होती है, और हिडमा तो पढ़ा लिखा है भी नहीं, उसके बावजूद भी उसे सीसी प्रमोट किया गया, और उसे खारिज करने के लिए भी नक्सली ने आज तक कोई पत्र नहीं किया। सभी बड़े अखबारों में इस बात का जिक्र है, 2017 के यदि आप देखें, द हिंदू से लेकर हिंदुस्तान टाइम्स तक ने इस बात को कोट किया कि आखिरकार माड़वी हिडमा को सीसी प्रमोट कर दिया गया। यदि इस बात की सत्यता नहीं होती तो निश्चित तौर पर नक्सलियों की तरफ से कोई पत्र जारी जरूर किया जाता है, अमूमन हर बार किया जाता है किसी भी बात पर, उस पर उनकी हमेशा नजर बनी रहती है। तो माड़वी हिडमा को भी सीसी प्रमोट किया गया, पहला आदिवासी नक्सली लीडर है, और इसके पीछे ये दूसरी तस्वीर भी है कि वो एक जवाब दे सके कि हमने आदिवासियों का उपयोग नहीं किया है, उन्हें भी हम उनकी दक्षता के अनुरूप एक शीर्ष पद पर ले जाते ही रहते हैं। राहुल, आपको क्या लगता है इसमें क्या आर्मी की मदद ली जानी चाहिए, क्या इस विकल्प पर विचार हो रहा है, इसके प्लस माइनस क्या हो सकते हैं? देखिए, मुझे याद है एक जमाना था कुछ साल पहले जब इस बात पे बहुत ही गंभीरता से सोचा जा रहा था। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो शीर्ष सेना का नेतृत्व है उनसे राय भी मांगी गई थी, और आर्मी की जो सेंट्रल कमांड है उन्होंने इस बारे में कुछ प्रोजेक्ट वगैरह भी तैयार किया था। लेकिन मेरी जो जानकारी है उस वक्त की, जो मुझे याद आ रहा है, वो ये था कि आर्मी के जो नेतृत्व ने इसको डिस्करेज किया था, और उन्होंने ये कहा था उस वक्त कि ये एक इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है और ये कश्मीर से बहुत अलग स्थिति है, क्योंकि कश्मीर में एक एक्सटर्नल एग्रेशन वाला मामला भी है और बॉर्डर एरिया भी है। जी, और इसमें बहुत ही गलत संदेश जाएगा कि आप जो है सेना अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी भी उस तरह की कोई स्थिति बन रही है कि आर्मी को इसमें मदद के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो आप कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन बड़ा जरूरी है, और ये कई बार हमने देखा है कि हालांकि इसके कमांड भी बने हैं, और कई बार जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ दिल्ली में, कोई भी प्रधानमंत्री, उन्होंने
जो नक्सल प्रभावित तमाम राज्य हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई है, डीजीस की मीटिंग बुलाई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा हो नहीं रहा था, जिसका फायदा नक्सली उठाते हैं। कोई सेंट्रल कमांड इस तरह की चीजें जी, इस तरह का अभी तक कुछ नहीं है। और इसका फायदा जैसे मैंने कहा नक्सली कई बार उठाते, जैसे इस इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद वो बॉर्डर क्रॉस करके उड़ीसा चले जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे, और जब थोड़े से हालात ठंडे हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन थोड़े ठंडे हो, तो इस तरह फिर वो आ जाएंगे। तो इस तरह का कई बार हमने पहले देखा है, तो इस पे बार बार लगातार हमने बात की और इसको हमने कहा कि इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। कुछ हद तक काम हुआ भी है, कहीं कहीं पर्सनल लेवल पे भी जो पुलिस अधिकारी हैं जो इससे लड़ने के प्रति गंभीर है वो पर्सनल लेवल पे भी थोड़ा कोऑर्डिनेशन से अपना काम चला लेते हैं, पर जिस तरह की सेंट्रल लेवल पे जिस तरह की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो है। अगर बिहार में किसी सस्पेक्ट को पकड़ा गया है तो उससे जो जानकारी मिली है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ रियल टाइम शेयर की जाए, क्योंकि इनके बीच कोऑर्डिनेशन है, ये जो अलग अलग फैक्शंस काम कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि एक जगह की टाइनी इंफॉर्मेशन दूसरी जगह एक महत्वपूर्ण लीड में तब्दील हो जाए। जी, जो कुछ संगठन ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्रेहाउंड्स है फॉर एग्जांपल, जिन्होंने वो कई बार इस तरह की इंफॉर्मेशन स्टेट के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि उनका अपना एक अलग इंटेलिजेंस रहता है, या तेलंगाना का जो स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच है इनका बहुत अच्छा काम है, एंटी नक्सल काम उनका बहुत अच्छा है, वो कई बार दूसरे स्टेट के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करती जब उनके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है या कोई इंटरसेप्शन इस तरह का आता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिस स्तर पर, जिस सेंट्रल स्तर पर, नेशनल स्तर पर जिस तरह कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उस तरह का हो नहीं रहा। अच्छा, दूसरा ये एक जो बात आपने अपने एक जवाब में जिक्र भी किया, पीपल हु आर एक्चुअली ऑन ग्राउंड, जिनको रियलिटी पता है, जो कॉम्बेट में इन्वॉल्व हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है ऑपरेशंस का, जब एक बड़ी स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है तो उनकी राय को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। दिस इज समथिंग लाइक कि मैं बिना किसी बूथ लेवल के कार्यकर्ता से बात करे या बिना गांव वाले से बात करे अपनी रूरल पॉलिसी बना लूं, कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ डेटा, कुछ फैंसी से आइडियाज और फ्लोट कर दिए जाए, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की पॉलिसी के एक बड़े हिस्से में होता है, राज्य के स्तर पर भी और केंद्र के स्तर पर भी, कि जो असली स्टेक होल्डर हैं उनके एक्सपीरियंस, उनके विजडम और उनकी जरूरतों को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको लगता है कि ये जो सीएपीएफ की एक लगातार डिमांड है सैलरी पैकेज को लेकर भी, प्रमोशन को लेकर भी, उस पर अगर ध्यान दिया जाए और उस रैंक से जो इवॉल्व होकर आए हैं उनको ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए तो हमारी स्ट्रेटजी ज्यादा इफेक्टिव होगी? राहुल, देखिए इस बारे में मैंने बहुत बात की है और मुझे आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा है। नक्सलवाद से लड़ने के लिए ये हमारा सबसे बड़ा हैंडीकैप है, मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरी बहुत बार बातचीत होती है और ये अंदर एक क्षोभ और गुस्सा जो है सीआरपीएफ के अधिकारियों के बीच में, जो ऑन ग्राउंड सुकमा, बीजापुर, इन सारे दंतेवाड़ा, इन सारे इलाकों में काम करते हैं और कई सालों तक इन एरियाज में काम कर चुके हैं, कई बार इसको लेकर बड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि कई बार एक अधिकारी आते हैं जो ऑन डेपुटेशन आते हैं, ऑन डेपुटेशन उसमें ये होता है कि कई बार ये पाया जाता है और सीआरपीएफ के अधिकारी इस बात को लेकर शिकायत करते हैं कि आईपीएस अधिकारी जो है इसको एक रेस्टिंग प्लेस की तरह इस्तेमाल करते हैं कि चलिए एक दो साल का एक सेंट्रल डेपुटेशन अपन लोग ले लेंगे उसके बाद देखे जाएंगे। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं दे हैव नो स्किन इन द गेम, उनको मालूम है कि उन्हें संस्था में एक साल दो साल रहना, उसके बाद अपने पेरेंट क्वार्टर में वापस जाना या कहीं और उनका डेपुटेशन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा हैंडीकैप है और ये हैंडीकैप ऐसी प्लानिंग में हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। कई बार हमने लोगों से बात की, ऑपरेशन हुआ और एक नए अधिकारी आए, अब ये जो मेरी शिकायत थी ये आईपीएस के प्रति नहीं है, ये भी मैं कहना चाहूंगा, आईपीएस के अधिकारी बहुत सारे मित्र हैं, इधर काम करते हैं उधर काम करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी समस्या है जब ये सीएपीएफ के ऑफिसर्स और इनके बीच का जो असमंजस की स्थिति बन जाती है उसको लेकर ये प्रॉब्लम बहुत खड़ी हो जाती है। कई बार ये होता है कि एक नया अधिकारी आ गए,
आईजी बनकर कहीं चले गए छत्तीसगढ़ में और उन्होंने कहा कि ये गांव है, नक्सली गांव है, चलो यहाँ रास्ते पर एम्बुश बना लगा लेते हैं। अब ये बड़ी 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 एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है सीआरपीएफ के अधिकारियों के लिए, जिनको मालूम है कि नक्सली कैसे चलता है, नक्सली मेन जो छोटा छोटी पगडंडी उस रास्ते से कभी गांव में नहीं आएगा। लेकिन ये डायनेमिक्स जो है वो आपको तभी पता चलते हैं जब आप उस कुछ समय वहां बिताते हैं। दुर्भाग्यवश ये जो अधिकारी हैं जो प्लान बनाते हैं, इन्होंने मेजॉरिटी जो मैक्सिमम लोग हैं इन्होंने एक रात भी जंगल में नहीं गुजारी। अब जंगल में किस तरह का काम करना है, मुझे अभी कोई कह रहा था कि किसी अधिकारी ने ये भी कहा है कि ये लोग इतना पानी लेकर, ये जवान इतना पानी लेकर क्यों जाते हैं अंदर। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है इस तरह के कि पानी लेकर क्यों जाते, क्योंकि आपको ग्राउंड का कोई अंदाजा ही नहीं है कि किस तरह का टेरेन है, किस तरह का वेट लेकर लोग जाते हैं, नक्सली कैसे बिहेव करता है, आदिवासी कैसे बिहेव करता है। जैसे ये गांव खाली हो गए तो अगर ये वहां के लोकल कमांडर से, कोबरा के कमांडर से आपने पूछा होता, उसे परामर्श लिया होता, उसे एडवाइस ली होती, तो इस तरह की गलतियां कहीं कभी नहीं होती। लोकल लेवल पर जब कोबरा या सीआरपीएफ के अधिकारी कई बार ऐसे ऑपरेशन करते हैं और वो चुपचाप ऑपरेशन हो भी जाते हैं, चुपचाप वो अपने कैंप वापस भी लौटाते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 100% फूल प्रूफ रहेंगे, ऑब्वियसली जब आप जाते हैं बाहर तो किसी भी तरह की कोई भी इनकम मुठभेड़ में कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन प्लानिंग के अभाव में और बिल्कुल किसी की फैंसी मतलब कोई इमेजिनेशन है कि आप चलो वहां भेज दीजिए, कई बार ऐसा होता है कि सीआरपी वाले शिकायत करते हैं कि हमें वो जीपीएस पे बस दिखाया जाता है ये पॉइंट है, बस इस पॉइंट को छू के आना, ये एरिया डोमिनेशन है। तो दो दिन आप चले गए, 2010 में भी ये हुआ, 2010 में जब 76 सुरक्षा कर्मी मारे गए तो उनको भी कहा गया था कि अब आप 2-3 दिन के लिए बाहर जाएंगे, 3 दिन लौट कर नहीं आएंगे, इस पॉइंट को छू के आना है। और जब वो वापस आ रहे थे प्रेडिक्टेबिलिटी हो गई, उनको मालूम था माओवादियों के वापस आ रहे हैं और उन्होंने पहले ही एम्बुश बनाया था। इस घटना में भी मैं आपको कहूंगा बीजापुर में ये कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो सकती थी, लेकिन ये एक सीआरपीएफ की टुकड़ी ने एक तरफ जहां माओवादियों का कंसंट्रेशन था उस पर एक यूबीजीएल फायर किया है, उसके बाद वो भी थक गए, उसका इंटरसेप्शन मिला है जिसमें माओवादियों का कमांडर कह रहा है कि हमारे लड़कों में भी लड़ने का क्षमता नहीं है, अब हमको रिट्रीट करना चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर वो रिट्रीट नहीं करते और लड़ाई चालू रखते तो कितनी कैजुअलिटी हो जाती। जिसकी अकाउंटेबिलिटी आपको सेट करनी पड़ेगी, इसमें इन्वेस्टिगेशन आपको करनी पड़ेगी कि ये ऑपरेशन कैसे हुआ, इसका इंटेलिजेंस इनपुट क्या था, क्या स्पेसिफिक था, जब वहां लोग गए तो क्यों नहीं था, किसने वो इंटेलिजेंस इनपुट दिया था, किसके आधार पर आपने इतने सारे लोगों को लड़ाई करने ही भेज दिया। जब तक इनके बारे में आंसर नहीं मिलेगी, जब तक इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, तब तक अनफॉर्चुनेटली ऐसे बॉडी बैग्स आपको वापस लौटते। एक आखिरी सवाल इस लंबी बातचीत में जो मैं जानना चाहता हूँ, राहुल, जब आप अपनी किताब और रिपोर्टिंग के सिलसिले में उन सारे एरियाज में गए जो अभी भी नक्सलवादियों के कब्जे में है, और रानू आप अभी होके आए, लगातार जा रहे हैं, तो जो वहां के लोग हैं क्या वो कैच-22 वाली सिचुएशन में है? जैसे मैं आशुतोष भारद्वाज की भी किताब पढ़ रहा था डेथ स्क्रिप्ट, उसमें भी ये चीज आई कि जो सरेंडर कर चुके हैं उनकी क्या स्थिति है, जो नक्सलियों के कंट्रोल वाले एरिया में है उनकी क्या स्थिति है, कैसा है वहां पर जीवन, कितना अलग कितना सिमिलर है, कैसे चलाते हैं नक्सली वहां पर अपना राज? देखिए रानू भी इस बारे में बात करेंगे, बट बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है कई बार आदिवासियों के लिए, क्योंकि वो दे आर कॉट इन दिस वॉर बिटवीन द इंडियन स्टेट एंड द माओइस्ट, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। जब आप कई बार जाते हैं तो उस तरह की आयरनी का आपको सामना करना पड़ता है कि अगर वो फोन लेकर किसी गांव में घुसते हैं, अपने गांव में घुसते हैं, तो माओवादी कहते हैं कि इन्फॉर्मर हो। और कई बार आपने देखा होगा विगत कुछ वर्षों में ये घटनाएं बहुत बड़ी हैं, क्योंकि जितना माओवादी का डेस्परेशन बढ़ा है उतनी ही घटनाओं में भी वृद्धि आई है किसी लीडर की हत्या हुई या कोई लीडर मारा गया, तो उसके बाद जो है वो तमाम आनंद फानंद में एक गांव में खौफ पैदा करने के लिए 2-3 लोगों को मार देते हैं पुलिस इन्फॉर्मर के नाम पे। तो इस तरह की घटनाएं बहुत होती है और बहुत ही दुखद है, लोग फंस जाते हैं। और ऐसी घटनाओं में चूंकि माओवादी जैसे मैंने कहा डेस्परेट हो रहे हैं और उनका जो एरिया है श्रिंक हो रहा है, ऐसे में वृद्धि आ रही है और आदिवासियों के लिए ये
बहुत ही मुसीबत का सबब बन रहा है। ओके, रानू आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नक्सलियों के कब्जे वाले गांव में जीवन कैसा है? मैं ये कहना चाहूंगा कि नक्सलियों के कब्जे वाले गांव में जीवन तो है ही, मतलब वहां के जो ग्रामीण है उनके हिस्से में सिर्फ एक ही चीजें लिखी है, मौत। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि उनके पास कोई सुविधा नहीं है। अभी टेकलगुड़ा की आप बात कर लीजिए, जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है मामला, मैं ग्रामीणों से सबसे मिला, सबसे बातचीत किया और वहां की परिस्थितियों को देखा, समझने की कोशिश किया, वहां कुछ भी नहीं है। उस गांव तक पहुंचना एक बहुत बड़े जंग से कम नहीं है। आप अगर आप चाह लें कि टेकलगुड़ा चले जाएं तो ऐसा नहीं है कि आप आराम से पहुंच जाएंगे, आप वहां पहुंच नहीं सकते। अस्पताल वहां पे नहीं, वहां पे पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पे आज एक साल से राशन के चावल नहीं मिला ग्रामीणों को, और उसके लिए वो जगरगुंडा बार बार जाते हैं। जगरगुंडा और टेकलगुड़ा के बीच की जो दूरी है जो लगभग 20 किलोमीटर से अधिक है, ये इतनी कम दूरी पहुंचने में 150 किलोमीटर पार करने के समान है, क्योंकि कई पहाड़ों को पार करके आप टेकलगुड़ा से जगरगुंडा तक जाते हैं। वो ग्रामीण बार बार जाते हैं, उनको चावल एक साल से नहीं मिल रहा है, वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड उनके पास नहीं है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों की स्थिति ऐसी है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नक्सली हैं, मतलब ग्रामीण नक्सली हैं क्योंकि उनके पास में आधार कार्ड नहीं है। नक्सलवाद को जीतने के लिए पहले, सबसे पहले आपको ग्रामीणों को जीतना होगा, और ग्रामीणों को जीतने के लिए आप दिल्ली में बैठ के कोई भी प्लान कर लें, रायपुर के एसी चैम्बर में बैठ के कोई भी प्लान कर लें, जब तक आप ग्रामीणों का दिल जीतने के लिए कोई काम नहीं करेंगे तब तक आप नक्सलवाद को, मुझे नहीं लगता कि आप जीत पाएंगे या नक्सलवाद को सॉरी हरा पाएंगे। पहले आपको ग्रामीणों को जीतना पड़ेगा। अभी भी मैं उन ग्रामीणों से मिला, उन ग्रामीणों के मन में इस बात का मैंने पहले भी कहा कि वो कह रहे थे कि अब नक्सली बोलेंगे कि फोर्स को तुम बुलाते हो, और फोर्स बोलेगी कि तुम नक्सली आते हैं तो तुम बताते क्यों नहीं हो। और सीधी सी बात है कि पूरे बातचीत के दौरान उनका गुस्सा फोर्स के प्रति ज्यादा है। वो मुर्गा लेके चले जाते हैं, हमारी साइकिल तोड़ दिए, मोटरसाइकिल तोड़ दिए, घरों में तोड़ फोड़ किए, तो कुल मिला के उनके मन में फोर्स के प्रति ज्यादा गुस्सा है। सरकार उनके लिए कोई ऐसा काम कर नहीं पा रही है वहां तक, सबसे मूलभूत चीजें। अच्छा, बदला वो भी चाहते हैं। मैंने गांव में एक झोपड़ी देखी जो चारों तरफ दीवार नहीं है, सिर्फ ऊपर छत है, जो ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से बनाया था। उसके अंदर अनार के आम क्या का एक चार्ट लगा हुआ था। मैंने पूछा, अरे यार ये क्या है? तो बताया, भैया ये स्कूल है हमारा। तो मैं बोला, पढ़ाता कौन है? तो बोले, गांव का एक लड़का है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, बच्चों को पढ़ाता है। मतलब साफ है कि ग्रामीण बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो बदलाव नहीं चाहते कि आप उनका यूटिलाइज करें, आप उनका उपयोग करने के लिए बदलाव करें, उनके जनजीवन में शांति आए, जो बेसिक सुविधाएं वो उनको मिल जाए। बाकी बहुत ज्यादा चीज वो आपसे वो शिकायत भी नहीं करते सरकार से कि देखिए आज हमारे पास पेयजल की व्यवस्था नहीं, हमारे पास नहीं है, आपने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, लेकिन फिर भी कम से कम आके उनको अच्छा गन पॉइंट पे अगर नक्सली आके उनसे बोलेंगे चावल दो तो उनकी हिम्मत है क्या, वो मना कर देंगे? किसी की हिम्मत नहीं है। बारसूर एरिया कमेटी में एक नक्सली था, 16 लाख का इनामी नक्सली था, बताया था पुलिस ने, विलास। विलास किसी समय में नारायणपुर के बेचा में रसोइयों की नौकरी करता था, सरकारी नौकरी पे। अब आप सोचिए कि सरकारी नौकरी करने वाला विलास 16 लाख रुपए का इनामी नक्सली बन गया, वो क्यों बना? इस पे भी रिसर्च होना चाहिए। और यही वजह है कि आप अगर आप सोचेंगे सीधे जाके गांव वालों के साथ मारपीट करना शुरू कर देंगे कि तुमने क्यों नहीं बताया, तो जान की फिक्र तो हर किसी को होती है, चाहे वो किसी भी एवज में बच जाए। आखिर आज जो अभी जो जवान नक्सलियों के चंगुल में था, आगे आगे जब इस पर रिसर्च होगा, जब बातचीत होगी, धीरे धीरे कई खुलासे होंगे कि उस वक्त क्या हुआ जब नक्सलियों के चंगुल में अचानक जवान बच गया। वो नक्सली जो दुर्दांत है, क्योंकि उनकी बटालियन नंबर 1 के हत्थे चढ़ गया था, जिनके मन में थोड़ी सी भी दया नहीं है, वो सीधे गोली सीने पर उतार देते हैं। उन्होंने जिंदा छोड़ा कैसे जवान को? जवान ने ऐसा किया क्या कि उन्होंने जवान को जिंदा छोड़ दिया? क्योंकि उनके भी 4 साथी मारे गए थे, गुस्से में तो हो भी रहे होंगे, अमूमन गुस्से में रहते हैं। अब मैं देखा हूं, मैं कई मुठभेड़ के बाद तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा हूं, पुजारी कांकेल हो जाए या डोरा पारक हो जाए, ऐसे बस्तर के अलग अलग इलाकों में मैंने देखा है कि जब नक्सलियों के साथी मरते हैं तो इतनी गुस्से में होते हुए कि जो भी आएगा उसे मार के खत्म कर देंगे। ऐसे में तो उनका दुश्मन जिसे मानते हैं उनके हाथ में था, क्यों नहीं मारा? तो उस दौरान जान बचाने के लिए जवान से जो मन पड़ा उसने किया, नक्सलियों ने उसे छोड़ दिया। तो यही स्थितियां कमोबेश ग्रामीणों के साथ होती है, जब उन्हें अपना जान बचाना होता है तो वे हर चीज के लिए तैयार होते हैं, घुटने टेक कर खड़े होते हैं, क्योंकि उनके सामने मालूम है कि सप्ताह में एक बार फोर्स आएगी और दिन में 7 बार नक्सली आएंगे, तो उनके लिए तो सरकार नक्सली है। और जंगलों में तो जनता ना सरकार चलती है पैरेलल हमारे सरकार के बीच। देखिए सौरभ, एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करता हूँ और मैं उसके साथ खत्म करता हूँ। देखिए, ये रानू ने जो विनिंग हार्ट एंड माइंड की जो बात की है, इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ये है
कि विनिंग हार्ट एंड माइंड आप तभी जीत सकते हैं जब स्टेट के प्रति आदिवासियों को एक रेस्पेक्ट हो, जब उनको ये पता चलेगा कि स्टेट का अपर हैंड है यहाँ और माओवाइस्ट का हाथ नीचे हो गया, वो कमजोर पड़ गए, तब यहाँ पर इस इलाके में रिजल्ट आना और भी शुरू होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, जब 1000 आदिवासी एक गांव में खड़ा है और उनके सामने कोबरा कमांडो हाथ बांधे, रस्सी से हाथ बांधे खड़ा है, जिसको नक्सली एक बहुत ही मसीहा के तौर पर उसको छोड़ रहे हैं, 20 पत्रकारों के सामने, तो ये एक बहुत ही ये परसेप्शन की वॉर में जो है बहुत बड़ी हार है स्टेट की आदिवासियों के सामने, जिसको भरने में समय लगेगा, समय लगेगा। पर मैं उम्मीद करता हूं कि भारत ये जंग अपनी सॉफ्ट स्किल और अपनी जो सैन्य स्किल है उसके जरिए जीते, क्योंकि जिस एक पूरे भारत की कल्पना है, अवधारणा है, विचार है, वो पूरी रियलिटी में तभी बदलेगा जब यहाँ के सब लोग भारतीय स्टेट का पूरी तरह हिस्सा बनते दिखें और भारतीय स्टेट भी सब लोगों की चिंता करे, नॉर्थ ईस्ट से लेकर दक्षिण तक और नक्सली रियाज से लेकर कश्मीर तक। राहुल पंडिता और रानू तिवारी, आप इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि लल्लन टॉप के दर्शकों को भी ये बातचीत रुचि जगाने वाली लगेगी, क्योंकि जितना ज्यादा एक आम दर्शक इन विषयों के बारे में जानकारी रखेगा, पढ़ेगा, उतना ही ज्यादा सरकारें भी अपनी जवाबदेही महसूस करेंगी। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। नेता नगरी में अब बातचीत शुरू करेंगे बंगाल के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को लेकर, और इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, सीनियर प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में और पश्चिम बंगाल की राजनीति के बहुत रिनाउंड पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लल्लन टॉप के इस वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कल चौथे राउंड का चुनाव है, इस वक्त आपको कौन से डोमिनेटिंग इश्यूज लग रहे हैं बंगाल की पॉलिटिक्स में जो रेजोनेट हो रहे हैं ग्राउंड पे? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट इशू है अगर मतदाता वोट दे सकते कि नहीं दे सकते। हमारे यहाँ इलेक्शन तो कुरुक्षेत्र युद्ध है, कुरुक्षेत्र युद्ध जैसा हमारे यहाँ अभी तक 16 आदमी का मत हो गया, 3,700 का ऊपर वुंडेड हो गया, हर दिन हमारा यहाँ बम पड़ रहा है, इलेक्शन एवरीडे यहाँ वायलेंस हो रहा है, नो वायलेंस इन इलेक्शन हैज बिकम एक स्ट्रक्चरल फॉर्म, हमारा जहाँ यहाँ वायलेंस हो रहा है, एवरीडे वायलेंस हो रहा है, हर इलेक्शन समय में वो बढ़ जाता है। मतदाता का सबसे बड़ा चैलेंज है जो वायलेंस को विन ओवर कर वोट देना, मत देना। सो हर पॉलिटिकल पार्टी वायलेंस में जुड़ा हुआ है हमारा यहाँ, और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन टोटली पॉलिटिसाइज्ड है। तो सब मिलकर जो एनार्की है यहाँ, पॉलिटिकल एनार्की है, हर समय में देखता है हम लोग यहाँ पॉलिटिकल एनार्की हर समय रहता है हमारा। तो ये पॉलिटिकल एनार्की हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी लोग है वो लोग जीकर उसको रखते हैं अभी। सो सब मिलकर काल का पहले हमारा सोच में है जे अगर वायलेंस फ्री इलेक्शन होगा कि नहीं, मतदाता फ्री एंड फेयर इलेक्शन पोलिंग बूथ में पहुंच पाएगा कि नहीं, पाएगा कि नहीं पाएगा। हाँ, ये सबसे बड़ा ये है। दूसरा बात ये है नो, इन वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में जैसा पहले बार उभर कर आया वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पहले वेस्ट बंगाल में क्लास पॉलिटिक्स था, नो लेफ्ट था, 34 इयर्स लेफ्ट, उसमें क्लास पॉलिटिक्स था, लेफ्ट पार्टी क्लास पॉलिटिक्स करते थे वो लोग। लेकिन जब से ममता दी आया वहाँ उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को सरफेस में ले आया, पहले की नहीं था हमारा पास आइडेंटिटी इशू, डेफिनेटली था, लेकिन लेफ्ट उसको क्लास में कवर अप कर दिया था। लेकिन ममता दी पहले बार हर आइडेंटिटी को सरफेस में ले आया टू मोबिलाइज द वोटर। और अभी बीजेपी जो कर रहा है वो भी काउंटर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहा है,
So identity politics has become a very important issue in West Bengal election. दो जो मुख्य दो जो प्रमुख प्रतिद्वंदी है बीजेपी या टीएमसी बहुत खुल्लम खुल्ला आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर काम कर रहा है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन एक के बाद एक इशू चिट्ठी भेज रहा है, वन नोटिस भेज रहा है, ममता दी को मुस्लिम आइडेंटिटी के लेकर भेज रहा है, तो शुभेंदु अधिकारी को हिंदू आइडेंटिटी के ऊपर एक के बाद एक इशू कर रहा है इलेक्शन कमीशन। सो इतना खुल्लम खुल्ला आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमने कभी नहीं देखा। थर्ड जो इम्पोर्टेंट इशू आई नो, इतना लास्ट 10 साल इतना करप्शन हुआ वेस्ट बंगाल में, तो इंटर बंगाल करप्शन हैज बिकम द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। करप्शन इतना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुआ नो, हर काम में आपको पैसा देना पड़ता है। सो हर काम में काट मनी है। सो ये इतना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, आम आदमी तंग में आ गया, उनका गुस्सा आ गया, उसको रिफ्लेक्शन आपको 2019 लोकसभा इलेक्शन में देखा आप देख सकते हो, रिजल्ट देखकर आपको थोड़ा अंदाज होगा कैसा करप्शन के ऊपर पब्लिक नाराज है। और नहीं तो बीजेपी जिसको वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में कोई स्थान नहीं था, कोई जगह नहीं था, वो उभर कर आया इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स होकर, अभी वो सरकार करेगा ऐसे क्लेम कर रहा है। इसका एक तो कारण ये है जो करप्शन हमारा जीवन में ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ, हर आदमी इसमें परेशान है, उससे चाहते हैं लोग। और पॉलिटिक्स वेस्ट बंगाल में पॉलिटिक्स को जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ, आप देखेगा कैसा, इफ यू लुक केयरफुली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स, वेस्ट बंगाल द पॉलिटिकल मर्डर पॉलिटिकल वायलेंस नो वेस्ट बंगाल इज टॉप अमंग द इंडियन स्टेट। भारत में जितना राज्य है इसमें वेस्ट बंगाल पॉलिटिकल वायलेंस में टॉप है। पॉलिटिक्स वेस्ट बंगाल में क्रिमिनलाइज हुआ, ये पहले जो बिहार में था सत्तर लास्ट सेंचुरी में जो था बिहार में 70s 80s 90s ऑफ लास्ट सेंचुरी बिहार यूपी में था, हरियाणा में भी था, वो जो गुंडागर्दी पॉलिटिक्स में था, ये गुंडागर्दी हमारा बांग्ला में इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ। और इन अदर वर्ड वी कैन से पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइज हमारे यहाँ हुआ लास्ट 10 साल में, तो बहुत सारी हुआ। और मैंने जो भ्रष्टाचार है वो भी इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ। So, ये दो इम्पोर्टेंट इशू ये इलेक्शन में इम्पोर्टेंट इशू है। और इसके अलावा हमने जो बोला जो खुल्लम खुल्ला दो पार्टी बीजेपी एंड टीएमसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर काम कर रहा है, इवन लेफ्ट पार्टी दो जो पार्टी आइडेंटिटी उतना उसको ऊपर गुरु ये नहीं था, वो लोग उसको दूर में रखते थे पहले, अभी वो भी आईएसएफ को संग ये जो बनाया आईएसएफ, ये जो मुस्लिम आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट उसको नाम है, लेकिन वो प्राइमरीली मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टी अब्बास सिद्दीकी उसका लीडर है, उसको साथ लेफ्ट भी जुड़ा हुआ है। क्यों? माइनॉरिटी वोट उनको चाहिए। सो हर आदमी को हर पॉलिटिकल पार्टी को एक ही मकसद है, आइडेंटिटी को यूज करो और आइडेंटिटी को वोट बैंक बनाओ और उससे चुनाव जीतो। जी, आपने प्रोफेसर चक्रवर्ती चार टॉपिक्स के बारे में बात की। सबसे पहला वोटर का फियर जो पूरा मशीनरी है, दूसरा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स काउंटर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो क्लास पॉलिटिक्स का आगे जाके फॉर्म बन के आया, तीसरा इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन और चौथा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सर, ये जो बात है कि वोटर वोट दे सकता है नहीं दे सकता है और क्रिमिनलाइजेशन, ये बंगाल की पॉलिटिक्स में एक लंबे अरसे चला। आपने यूपी बिहार और तमाम राज्यों का जिक्र किया, वहां पे एक समय पे ये इलेक्टोरल वायलेंस होता था लेकिन धीमे धीमे वो खत्म हो गया। बंगाल में ये इलेक्टोरल वायलेंस और वोटर को डराने धमकाने प्रभावित करने का कल्चर कब से है? क्योंकि टीएमसी और बीजेपी दोनों ही कहते हैं कि ये लेफ्ट के जमाने से ऐसा है। देखिए, लेफ्ट का जमाना में वो पॉकेट एरिया में था, पॉकेट एरिया में, और वो
सबटेरेन में था, सबटेरेन अंडरग्राउंड में था, कभी कभी वो सरफेस में आते थे। लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस पीएमसी के शासन में उस स्ट्रक्चरल फॉर्म हम लोग देख रहा है। उस पहले लेफ्ट का अमल में वो थोड़ा पॉकेट में एरिया में था, अभी पॉलिटिकल वायलेंस गॉट ए स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड यू कैन गेट इट इन एवरीडे पॉलिटिक्स इन एवरी वे। आप टीएमसी की बात कर रहे हैं, लेकिन 2008 का जब हम पंचायत चुनाव देखते हैं, जिस तरह से 2018 के पंचायत चुनाव में वायलेंस हुआ टीएमसी की लीडरशिप के दौरान, वैसे ही 2008 का चुनाव हो या उसके पहले सिंगूर और नंदीग्राम का एजिटेशन हो, उसमें भी हमने देखा है कि किस तरीके से लेफ्ट का कार्डर वायलेंस में इन्वॉल्व रहा है, एक्सपोज हुआ है। एकदम लेफ्ट लेफ्ट पॉलिटिकल वायलेंस का उसको तो पॉलिटिकल जो कल्चर है वो वायलेंस स्ट्रेटेजिकली यूज करते थे, स्ट्रेटेजिकली यूज करते थे। लेफ्ट का जो आइडियोलॉजी है उसमें वायलेंस का प्लेस है और वो स्ट्रेटेजिकली यूज करता है, लेकिन वो स्ट्रेटेजिकली तब यूज करता है जब उसको जरूरत लगता है। अगर सीट हारेगा तो उसमें थोड़ा वायलेंस करो, लेकिन वायलेंस हर जगह में, हर प्लेस में, एवरीडे एंड एवरी फॉर्म ऑफ वायलेंस हम लोग को वेस्ट बंगाल में नहीं था। टीएमसी जो किया, अगर उस जो सीट उनका पक्ष में है उसमें वो वोट नहीं देगा। जैसा 2018 पंचायत इलेक्शन में है, टीएमसी जितना लोकल डेवलपमेंट में काम किया, अच्छा काम किया, उसमें उनको 60% सीट मिलना ही था, लेकिन वो ऑपोजिशन फ्री पॉलिटिक्स करेगा। उसको एक ही स्लोगन था, एक भी आसन, एक भी सीट ऑपोजिशन को मिलना नहीं चाहिए। तो उसके लिए पहले से वो नॉमिनेशन स्टेज से ही उनका जो गुंडा कैडर है उस सब लोग खड़ा हुआ बीडीओ ऑफिस में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में, और ऑपोजिशन को नॉमिनेशन सबमिट करने नहीं दिया। इफ वी मेक ए कंपैरेटिव स्टडी, लेफ्ट अमल में वायलेंस था वो स्ट्रेटेजिकली यूज करते थे, जब जरूरत होता है तभी वो यूज करते थे, लेकिन टीएमसी बिना सोचकर वायलेंस को वाइडली यूज कर रहा है, सब क्षेत्रों में वो यूज कर रहा है, हर प्लेस में यूज करता है। वो वायलेंस को वो स्ट्रक्चरल रूप दिया, वो कठामोगत रूप दिया उसमें। दूसरा बार ये है, लेफ्ट का एक आइडियोलॉजिकल बाइंडिंग था, आइडियोलॉजिकल बाइंडिंग था और इंटेलेक्चुअल क्लास था उनको पार्टी में, इनके इंटेलेक्चुअल लीडरशिप था, लेकिन टीएमसी में ज्यादा से ज्यादा लुम्पेन क्लास है और एजुकेटेड पीपल कम है और आइडियोलॉजिकल बाइंडिंग भी उतना नहीं है। और उसके बिना लेफ्ट के समय भी हमने देखा जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिसाइज था, वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन हाई पॉलिटिसाइज, और इन्होंने पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को पर्सनलाइजेशन कर दिया, ममता दी पोसा ओसी से डायरेक्टर ऑफ पुलिस सब ममता जी को मर्जी से चलेगा, अभिषेक बनर्जी का मर्जी से चलेगा, उनका पर्सनलाइज किया। सो अगर आप देखें तो ये जब चुनाव हुआ, चुनाव से पहले बहुत सारी आदमी वो तो मर गया, पॉलिटिकल वायलेंस का शिकार हुआ। चुनाव के पहले सिर्फ बीजेपी मेन ऑपोजिशन पार्टी उनका 140 जो कार्यकर्ता है उसको पॉलिटिकल मर्डर हुआ बीजेपी का। जो लेफ्ट क्लेम कर रहा है 72 कार्यकर्ता उसको निधन हुआ, कांग्रेस 36 कार्यकर्ता निधन हुआ, और डीएमसी सत्ता में आने के बाद लेफ्ट का 2000 से ज्यादा पार्टी ऑफिस वो आइदर बर्न किया और कैप्चर किया। सो पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल डोमिनेशन एंड करप्शन ऑल टुगेदर यू विल फाइंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वेस्ट बंगाल में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया। इसमें कोई संद नहीं है, उसमें कोई पक्षपातित्व नहीं है और उसमें कोई आई थिंक डाउट भी नहीं है। ओके प्रोफेसर चक्रवर्ती, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा। मेरे साथ नेता नगरी में मेरे
सहयोगी प्रशांत मुखर्जी भी जुड़ गए हैं, जो लगातार आप देख रहे हैं कि चाहे वो जमीनी हकीकत सीरीज हो या इलेक्शन रिपोर्टिंग, लगातार बंगाल में सक्रिय हैं। प्रशांत, आपके पास आएंगे ये जानने के लिए कि थर्ड और फोर्थ फेज में आपको किस तरह की तब्दीलियां लग रही है, मतलब पिछले नेता नगरी की चर्चा से अब तक के बीच। उससे पहले प्रोफेसर मुखर्जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ऑल सेड एंड डन ये सारे इश्यूज पे बात हो गई, अब हम तीन इश्यूज पे प्राइमरली बात करेंगे, टीएमसी, ममता फैक्टर, ममता की स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन एंड अरिथमेटिक। दूसरा फिर हम बात करेंगे बीजेपी की स्ट्रेटजी, अरिथमेटिक इश्यूज और नरेंद्र मोदी फैक्टर। और तीसरा, व्हाट इज लेफ्ट ऑफ लेफ्ट, क्या बचा है अब, व्हाट इज लेफ्ट ऑफ लेफ्ट। और जैसा आपने कहा, उन्होंने आईएसएफ के साथ अलायंस कर लिया, वो कांग्रेस की जूनियर पार्टी बन गए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी लीडरशिप, हाउ दे आर लूजिंग ग्राउंड, इन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ममता बनर्जी फैक्टर, जो ममता बनर्जी बार बार लोकल कार्ड प्ले कर रहे हैं कि मैं आपकी अपनी बेटी हूं, अमार सोनार बांग्ला और उन सब थीम्स के इर्द गिर्द, हाउ इफेक्टिव इज दैट? डू यू थिंक ममता बनर्जी इज स्टिल क्राउड पुलर और उनके नाम पे वोट गिर सकता है, और जिस अरिथमेटिक को लेकर वो मैदान में उतरी है, इज इट इफेक्टिव? देखिए, ममता बनर्जी इज स्टिल इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमारा जो समीक्षा चल रहा है उसके मुताबिक ममता बनर्जी का पॉपुलैरिटी सबसे आगे है वेस्ट बंगाल में, जितना लीडर है उससे ममता बनर्जी जनप्रियता उनका पॉपुलैरिटी सबसे पहले है इसके पहले। दूसरा बात यह है, जो ममता 2011 में जो ममता था, 2016 साल का जो ममता था और आज का जो ममता, सब एक नहीं है। ममता 2011 में जितना पॉपुलैरिटी उनका पास था, 2016 में जितना पॉपुलैरिटी उनका पास था, और 2019 में ममता उतना पॉपुलैरिटी नहीं था, 2021 में भी उतना नहीं है। आज भी ममता इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आज भी सबसे जनप्रिय लीडर है वेस्ट बंगाल में ममता, लेकिन 2011 में उनका ताकत जो था 2019-21 में एक ही ताकत नहीं है, उनका पॉपुलैरिटी घट गया। उसी के लिए 2019 में वो जो स्लोगन रेस किया था, 42 से 42, आउट ऑफ 42 कॉन्स्टिट्यूएंसी 42 टीएमसी को मिलेगा, नहीं मिला उनको, बीजेपी को, तो बीजेपी उसको ऊपर जबरदस्त धक्का दिया। तो 2011 और 2021 का ममता एक ही नहीं है, लेकिन स्टिल अमंग द लीडर्स इन वेस्ट बंगाल ममता इज मोस्ट पॉपुलर लीडर, नो डाउट अबाउट दैट। दूसरा बात ये, उनका उनका इक्वेशन क्या है, जीतने का इक्वेशन क्या है, उनका जीतने का इक्वेशन सिर्फ तीन है। एक, उनको जो लोकल लेवल में जो काम किया वो सोशल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल थोड़ा बेनिफिशियरी बनाया थ्रू डिफरेंट डेवलपमेंट स्कीम्स, इंडिविजुअल ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्कीम, जैसा कन्याश्री, जुबश्री, हाँ ऐसे बहुत सारी स्कीम है, उसके ऊपर उनका भरोसा है। दूसरा बात यह है कि माइनॉरिटी वोट बैंक उनका ऊपर ज्यादा उनका ध्यान है। माइनॉरिटी वेस्ट बंगाल में 140 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा है जहां मुस्लिम कम्युनिटी 25% से 96% तक है, ऐसा 140 विधानसभा आउट ऑफ 294 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 140 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 25% से 96% तक है। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर उनका पास पहले जो वोट दिया था, मतदान किया था, ऐसा मतदान करे तो उसमें डेफिनेटली कंफर्टेबल पोजीशन में वही रहेगा। और थर्ड इक्वेशन इसमें है, तो ऑपोजिशन आर इन स्प्लिट। वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जहां इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन 60 से ऊपर नहीं उठता है। इसका कारण है लेफ्ट और बीजेपी तो कभी नहीं अलायंस में आ सकते आइडियोलॉजिकल के कारण में, लेफ्ट और बीजेपी कभी नहीं आ सकते। वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जहां ऑपोजिशन स्प्लिट है शासक के विरुद्ध में, अर्थात टीएमसी के विरुद्ध में लेफ्ट अपना मोर्चा है आईएसएफ कांग्रेस के लेकर, बीजेपी अपना मोर्चा है, और छोटा छोटा जो पार्टी है अपना अपना ढंग से चल रहा है। तो ऑपोजिशन इन स्प्लिट, एंड दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट फॉर ममता दी। सो एंड इन एडिशन टू आई मस्ट से टू थिंग, वेस्ट बंगाल में हर मीडिया ममता का साथ है,
वेस्ट बंगाल में इंटेलेक्चुअल क्लास दो दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विथ टीएमसी बट दे आर अपोजिंग बीजेपी रूल. सो इन वेस्ट बंगाल में ब्रिटिश अमल से पहले से लेफ्ट इंटेलेक्चुअल क्लास था, लेफ्ट लेफ्ट लिबरल क्लास था, उसका डोमिनेशन था, दबदबा था, उसको सपोर्ट अगर पहले आप देखें तो हार्ट सरकार का साथ उनका संपर्क था. लेकिन ये लेफ्ट लिबरल जो क्लास है, जो लोग कि अखबार में काम करता है, टेलीविजन चैनल में काम करता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, वो सब लोग अपोज कर रहे हैं बीजेपी को. एंड दे आर डूइंग ओपनली. टीएमसी खराब है लेकिन बीजेपी और खराब होगा, तो बीजेपी के मत आनो, ऐसा पुचर भी चल रहा है. वो उसमें स्ट्रेंथ है, उसमें दम है ममता का. हर इंटेलेक्चुअल क्लास, ज्यादा से ज्यादा इंटेलेक्चुअल क्लास है मैसे एंड मीडिया इज इन फेवर ऑफ ममता. प्रशांत, आई वांट योर टेक. ममता बनर्जी कार्ड, ममता बनर्जी स्ट्रेटजी. दो तरह से है. पिछले नेतानगरी में भी हमने डिस्कस किया था, मैं उसको दोबारा थोड़ा एनलार्ज करते हुए रखूंगा. ममता बनर्जी इज अनडाउटेडली द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन बंगाल. दिस इन इटसेल्फ इज बेसिकली क्या है कि ममता बनर्जी की जो पॉपुलैरिटी है सिर्फ उस पर ही तृणमूल खेल रही है. तृणमूल ने यही गैम्बल 2019 में खेला था. तृणमूल ने कहा था कि मुझे आज भी याद है, सबंग में एक सभा हो रही थी, सबंग में सभा थी, घाताल वो सीट पड़ता है उसके पास, और उस सभा में इस्लामपुर जगह का नाम था, उस सभा में ममता बनर्जी ने आके बोला था कि 42 के 42 लोकसभा सीटों से मैं चुनाव लड़ रही हूं, आपको मेरी तरफ देखना है और वोट करना है. ये बात ममता बनर्जी ने कही थी. तो वो क्या हुआ था कि पूरी तरह से बीजेपी के नैरेटिव में फॉल कर गई थी. जैसे नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधानमंत्री फिगर प्रमोट कर रहे थे, ठीक उसी तरह ममता भी स्टेट में सिर्फ इकलौती ताकत अपने आप को प्रमोट कर रही थी. इस वजह से एक पॉपुलैरिटी तो है जिसको कभी आप डाउट नहीं कर सकते, वो अनडाउटेडली बहुत पॉपुलर है. बट जैसा प्रोफेसर विश्वनाथ जी बता रहे थे, 2011 से 16 के बाद 18 के बाद 19 और 21 में पॉपुलैरिटी में डिक्लाइन देखने को मिला है. एक बड़ी चीज जो जमीन पर देखने को मिलती है वो ये है कि ममता अच्छी है बट उनके नीचे जो लोग हैं, जो ग्राउंड लेवल में कार्डर हैं, वो अच्छे नहीं है, वो लूटपाट करते हैं. लेकिन इससे एक और नैरेटिव निकल कर आता है, जो रूरल एरियाज में एक सेगमेंट है जो पढ़ा लिखा है, जो छोटी मोटी नौकरियों में करता है, जो गुजर बसर में है, जो इन्फ्लुएंशियल है, उनमें एक है कि क्या कभी ऐसा संभव है कि नीचे लूटपाट चल रहा हो और ऊपर जो बैठा हो उसको ये बात का इल्म भी ना हो. इसका मतलब यह है कि पॉपुलैरिटी में एक ब्रेक आया है, पॉपुलैरिटी में एक डिक्लाइन आया है. और एक और चीज जो है, अभी जो नैरेटिव चल रहा है बांग्ला और निजर में के चाई, इसमें एक बड़ी चीज देखने को मिली है. जो मुस्लिम्स के बीच में हम जाकर जब बार बार बात कर रहे थे तो उनमें एक रिजेंटमेंट है, और वो रिजेंटमेंट में वो ये कह रहे हैं कि हाँ ये तो ठीक है कि हमें ममता को वोट देना पड़ेगा क्योंकि हम बीजेपी को नहीं चाहते हैं, और लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है जो इस वक्त सत्ता में आ सकती है, तो बीजेपी को रोकने के लिए हम तो वोट जरूर देंगे. लेकिन क्या ममता बनर्जी बस इकलौती ही नेता है 10 साल के शासन में? क्या कोई और नेता नहीं पैदा हुआ? एक जो सवाल ग्राउंड से आपको हमेशा सुनने को मिलेगा. दूसरा जो प्रश्न उनका हमेशा आता है वो ये आता है कि पिछले 10 सालों में जो तृणमूल के बड़े नेता थे, जिसमें आप जिसका भी नाम लीजिए, जो सेकंड लाइन लीडरशिप इवॉल्व हो रही थी, वो क्यों एक मुस्त पार्टी छोड़कर चले गए? तो उसका क्या कारण है? क्या ममता बनर्जी एक डिक्टेटोरियल रिजीम बनाना चाहती हैं? क्योंकि हमने तो लेफ्ट के डिक्टेटोरियल रिजीम से इजाद पाने के लिए ममता बनर्जी को सत्ता में लेकर आए थे. क्या एक दूसरा डिक्टेटोरियल रिजीम स्थापित हो जाएगा? तो जो पॉपुलैरिटी का डिक्लाइन है, अगर वो फर्दर कंटिन्यू करता है, दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर ममता बनर्जी, बिकॉज बेस्ड ऑन हर पॉपुलैरिटी ओनली, बिकॉज दिस इलेक्शंस आर बीइंग फॉट ऑन सिंबल, सिंबल पर लड़ा जा रहा है चुनाव, एंटी इनकंबेंसी एंड वेरियस फैक्टर्स है जिसके बारे में बात हुई है पहले, तो ये और लड़ाई को मतलब कठिन बना देता है ममता बनर्जी के लिए. क्योंकि डिक्लाइन आप देखिए, डिक्लाइन लेफ्ट का भी ऐसे ही हुआ था ना, 2008 में वो पंचायत हारे थे, 9 में वो लोकसभा हारे, 11 में वो सफाया हो गया, 10 में और बीच में 2010 में आइला तूफान आया था. अब एग्जैक्टली सेम है, 18 में पंचायत हारे, 19 में लोकसभा में ताकत बहुत सिकुड़ गई,
2020 में आईला आ गया, अब 2021 का चुनाव हो रहा है, तो इतने कोइंसिडेंसेस। 2020 में अम्फान आया, 2010 में आईला, सॉरी हाँ सॉरी, मैं अपनी गलती माफी मांगता हूँ उसके लिए, आईला नहीं आया, अम्फान आया। तो अम्फान का भी एक रिजेंटमेंट देखने को मिला है, और खासकर उन इलाकों में जहां ममता बनर्जी 2019 के लोकसभा में बहुत मजबूत स्थिति में थी, साउथ जैसे 24 परगना जी, और पश्चिम मिदनापुर, मतलब पूर्वी मिदनापुर का एक बड़ा हिस्सा, तो ये एक बड़ा फैक्टर है इस समय में। वो ममता बनर्जी का प्लस भी है, वो ममता बनर्जी का माइनस भी है, और कहीं ना कहीं एक कंपल्शन है तृणमूल के लिए कि उसी प्लान पे लड़े, बिकॉज शी एंजॉयज दैट इमेज, एक बेहतर इमेज कंपेयर टू अदर लीडर्स ऑफ हर पार्टी एंड एनी अदर लीडर इन द स्टेट एज फार एज पॉपुलैरिटी इज कंसर्न्ड। एक जस्ट आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट, अगर ये एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दिमत नहीं है, लेकिन कोई हम लोग देख रहा है एंटी इनकम्बेंसी चैनलाइज्ड हो रहा है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में। जैसा अम्फान का बारे में साउथ 24 परगना में 31 असेंबली सेगमेंट है, 31 असेंबली सेगमेंट है, लेकिन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोटर है उसमें अम्फान का तो बहुत तोकबीक मिला, उसको बहुत इफेक्ट, वो बहुत इफेक्टेड हुआ, उनको तो गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिला ऐसा, लेकिन उसको बाद भी अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोटर है, हम लोग जो पूछ रहा है तब बोला है ना वोट तो हम लोग टीएमसी को देंगे, क्यों बीजेपी को अटकाना है। तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इसी के लिए हमने बोला जो इम्पोर्टेंट है, एंटी इनकम्बेंसी जो ये स्रोत है वो चैनलाइज्ड हो रहा है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ये ब्रेन में। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और ये इसी बंगाल इलेक्शन से जुड़ा अगला जो मसला है वो है बीजेपी नरेंद्र मोदी फैक्टर, दीदी वर्सेस दादा। सो बीजेपी इज हैवली रिलाइंग ऑन नरेंद्र मोदी पॉपुलैरिटी, नरेंद्र मोदी प्रोमिसेस। बीजेपी की स्ट्रेटजी और नरेंद्र मोदी फैक्टर के बारे में प्रोफेसर चक्रवर्ती आपका क्या सोचना है? देखिए वेस्ट बंगाल में नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर है, सारा हमारा जो ओपिनियन पोल आया था हमने उसमें जुड़ा हुआ था, हमने देखा कि दीदी का जितना जन पॉपुलैरिटी है नरेंद्र मोदी का उतना ही पॉपुलैरिटी है, कम नहीं है। इसी के लिए बीजेपी का तो अपना कोई मुख नहीं है या फेस नहीं है वेस्ट बंगाल में, इसी के लिए ये लड़ाई बीजेपी उन्होंने घोषित किया ये लड़ाई ममता वर्सेस मोदी का होगा। ये वेस्ट बंगाल में चुनाव जो लड़ रहा है बीजेपी मोदी के नेतृत्व में लड़ रहा है, और मोदी का पॉपुलैरिटी ये वेस्ट बंगाल वोटर में बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर में है। देखिए बीजेपी का तो लोकल लेवल है कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, टीएमसी के साथ कंपेयर करें तो बीजेपी का कोई ऑर्गेनाइजेशन लोकल लेवल ऑर्गेनाइजेशन वेरी वीक है, नहीं है सचमुच। दूसरा बात यह है कि बीजेपी जो कैंडिडेट चूज किया वो इतना नॉन प्रोफेशनल कैंडिडेट है, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट का तो कोई परिचित ही नहीं है पब्लिक में, उनका अपना पहचान नहीं है पब्लिक में, और टीएमसी से जो आप लीडर बहुत सारी लीडर जो 294 कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कैंडिडेट घोषित किया बीजेपी उसमें 184 कैंडिडेट फ्रॉम टीएमसी और दूसरा पार्टी से टीएमसी एंड लेफ्ट से, इसमें सीधा 148 कैंडिडेट है जहां टीएमसी से आया, उससे तो बीजेपी का जो अपना आदमी है उसको नाराज है, बहुत सारी करप्टेड कैंडिडेट के भी फाइल किया बीजेपी, लेकिन उसको बाद भी बीजेपी लड़ाई में है सिंपली नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी दो आदमी के लिए बीजेपी स्टिल इन फ्रेम। इसका दो कारण है, बीजेपी जो कनेक्ट माने नरेंद्र मोदी से पब्लिक को जो कनेक्टिविटी है उतना इतना जोर है उसमें, नरेंद्र मोदी के अपील टू पब्लिक इतना स्ट्रांग है, वो जैसा बांकुड़ा एक उदाहरण दे रहा है हम लोग, बांकुड़ा में बिगड़ा हुआ है बीजेपी के लिए, पहले था लेकिन जब नरेंद्र मोदी गया बांकुड़ा का सभा किया उतने बीजेपी का कर्मी और कार्यकर्ता को दम आया और पब्लिक इतना अटेंड किया बांकुड़ा में, तो उसको बाद
एक स्विंग बीजेपी का पक्ष में मिला इलेक्शन के पहले चरण में, दूसरा चरण में इलेक्शन था बांकुड़ा में। तो ऐसा नरेंद्र मोदी जहां जाता है बीजेपी का कार्यकर्ता चार्ज होता है, वो वोटर चार्ज होता है, उसको तो डायरेक्ट असर बीजेपी का पक्ष में जा रहा है, हमने देख रहा है। जहां जहां बीजेपी ऑर्गेनाइजेशनल पावर वीक है, जहां कैंडिडेट लेकर उनको गुस्सा है कार्यकर्ता का, वहां जब नरेंद्र मोदी का सभा हो रहा है उसको बाद बीजेपी में पॉजिटिव सेंस आ रहा है, वोटर बीजेपी के संबंध में पॉजिटिव सेंस ग्रो कर रहा है उसमें। सो ऐसा ही आसार मिल रहा है हमने देखा। दूसरा ये है वेस्ट बंगाल में अमित शाह का भी बहुत पॉपुलैरिटी है, उसको कारण उस सीधा ममता को अटैक करता है, और जो गुंडागर्दी वेस्ट बंगाल में हो रहा है उसके ऊपर उनका जो टिप्पणी है, उसका जो भाषण है, उसको जो पोजीशनिंग है, उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता उसमें इनकरेज होता है और पब्लिक भी इनकरेज होता है। और तीसरी बात यह है जो बीजेपी जो इश्तेहार प्रकाश किया, इलेक्शन मैनिफेस्टो उसको डिक्लेयर किया, उसमें दम है, बहुत प्रोफेशनली इश्तेहार उन्होंने घोषित किया, बहुत संगठित है, उसमें 1/3 सरकारी नौकरी में महिला को संरक्षण के बारे में बता गया है, महिला को सरकारी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मुफ्त में जाना निश्चित किया गया है, ऐसा बहुत सारी बात है उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो में जिसमें दम है, और वोटर भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, हाँ अगर बीजेपी कम सत्ता में आएगा तो अगर ऐसा ऐसा वो घोषित किया वो होगा तो वेस्ट बंगाल में बहुत लाभ होगा, नौकरी मिलेगा। सो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो का दम है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमने बोलेंगे जो बीजेपी का जो स्ट्रेटेजी है तो उनको एंटी इनकम्बेंसी के उसको यूज करो, करप्शन के विरुद्ध में बात करो, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के उसको ऊपर बात करो, प्रचार करो, आप नरेंद्र मोदी के मुख को सामने रखो ममता के अगेंस्ट में, और जो डेफिनेटली बीजेपी और दूसरा राज्य में जो करता है वो हो पोलराइजेशन का, तो डेफिनेटली उसको ये एक डायरेक्शन है हिंदू वोट पोलराइजेशन के जो उनका स्ट्रेटेजी, वो भी ग्राउंड रियलिटी में काम कर रहा है। इसी के लिए नंदीग्राम में आपको देखा, आप देख सकते हैं जो शुभेंदु अधिकारी जब 25% मुस्लिम वोटर था नंदीग्राम में, शुभेंदु अधिकारी 75% हिंदू वोटर के लिए ममता को ममता बेगम बनाया, उन्होंने हिंदू वोट को पोलराइजेशन के लिए योगी आदित्यनाथ को ले गया था, और हर हर मंदिर में जाकर पूजा करना, ऐसा ममता भी काउंटर पूजा वो भी किया, वो भी मंदिर में घुमा। सो वेस्ट बंगाल में बीजेपी सत्ता में आया नहीं आए, बीजेपी का जो पॉलिटिकल एजेंडा है हिंदुत्व, तो वो वोटर का वोटर के और बांग्ला बंगाली का जो समाज है उनमें इंजेक्ट हो गया। अब जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी है, कांग्रेस है, इवन लेफ्ट कैंडिडेट दे आर ऑल्सो सर्चिंग, नो दे आर ऑल्सो विजिटिंग द मंदिर। सो समहाउ हिंदू वोट का जो पोलराइजेशन उसको तो बीजेपी अपना अंदाज से कर रहा है, ये उनका इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी। प्रशांत, हाँ सौरभ, इसमें मैं दो तीन चीजों से हेविली डिसएग्री करता हूँ विश्वनाथ चक्रवर्ती जी से, उन पर आऊंगा। उससे पहले जो उन्होंने कुछ बहुत प्रमुख बातें की हैं उस पर मैं अपनी बात रखूंगा। सबसे पहला तो है उन्होंने कहा कि आइडेंटिटीज डेवलप हो रही है, और जो उन्होंने लास्ट में अपना जिक्र किया कि हिंदू पोलराइजेशन भी हो रहा है, वो अपने में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर मुस्लिम आइडेंटिटी इवॉल्व कर रहा है और हिंदू आइडेंटिटी डेवलप कर रहा है, तो जो 70% ऑफ द पॉपुलेशन है अगर वो एक पुश वोटिंग में मूव कर जाता है उससे पोलराइजेशन ज्यादा होगा और बीजेपी को फायदा होगा, नंबर एक। नंबर दो, मुस्लिम थिन स्प्रेड है, जहां 25% आबादी है मुस्लिम की, वो डिसाइसिव नहीं है कि वो सीट चली जाएगी तृणमूल के पास, नंबर दो। नंबर तीन, कांग्रेस का मालदा मुर्शिदाबाद स्ट्रेच में एक बड़ा प्रभाव है, तो उस प्रभाव को आप अभी नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते हैं, और वहां पर दो तीन ऐसी सीट है जैसे मैं नाम लूं चाकुलिया, अली इमरान रम्स विक्टर, वहां से फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार 100%
उनका इतना मजबूत कैंपेन और इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके साथ हैं और वो जीतते आए हैं। उनके पिताजी भी फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता हुआ करते थे। दोमकाल, जालांगी, ये ऐसी सीटें हैं जो सीपीएम ने कभी नहीं हारा और 2019 के पोलराइजेशन में भी सीपीएम को वहां पर तृणमूल से बहुत मार्जिनली कम मतलब मार्जिनल नंबर पे थे। वो दोमकाल में तो ज्यादा थे, जालांगी में थोड़े से कम थे। तो लेफ्ट कांग्रेस अलग चुनाव लड़ा था 2019 में। अगर वो वोटों को हम जोड़ दें तो वो तृणमूल के नंबर को पार कर जाता है। तो मुस्लिम सीटों में भी फैक्शंस हुआ है। नंबर चार पॉइंट जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, मैं दक्षिण 24 परगना के बहुत सारे इलाकों में गया। मैं सीट से आपको बताता हूँ, भांगोर सीट में कल चुनाव होना है। नौशाद सिद्दीकी, अब्बास सिद्दीकी के भाई चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से तृणमूल के मजबूत नेता को टिकट नहीं दिया गया, जिसको लेकर तोड़फोड़ हुआ, रोना धोना हुआ, रोड पे बैठे। इन सीट्स में बहुत पॉसिबिलिटी है कि आईएसएफ को बड़ा समर्थन मिले। उदाहरण के लिए एक और सीट दक्षिण 24 परगना का मैं बताता हूँ, कैनिंग में बमबारी हुई। जैसा हमें वहां लोगों ने बताया कि तृणमूल की तरफ से 2 बम आए तो दूसरे पक्ष की तरफ से 4 बम चले, तो 5 गांवों में ऐसा बताया जा रहा है कि एक पुश्त आईएसएफ के लिए वोटिंग हुई है। दक्षिण 24 परगना में एक और सीट है राइडगी। राइडगी सीट में सीपीएम बहुत मजबूत स्थिति में है। वहां पर कांति गांगुली पुराने नेता है सीपीएम के। ऐसे में जो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में भी ना फैक्शंस आ रहे हैं और वो फैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उलुबेरिया पूर्व, उलुबेरिया एक ऐसा लोकसभा था जहां पर सजदा अहमद ने चुनाव जीता 2019 में। उससे पहले उलुबेरिया में सुल्तान अहमद जीते थे और उलुबेरिया से हन्नान मुल्ला होते थे, मुस्लिम बाहुल जगह है उलुबेरिया। उलुबेरिया पूर्वो में अब्बास खान बाईपोल में 2019 में चुनाव जीते थे टीएमसी से। अब्बास खान को टीएमसी ने टिकट नहीं दिया, अब्बास खान चले गए आईएसएफ में और बहुत भारी समर्थन वहां दिख रहा है। तो अगर एक आध सीट में भी ऐसे फैक्शंस क्रिएट हो रहे हैं जो ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, माइनॉरिटी वोट बैंक जिस पर वो रिलाई कर रही है, जिसके बाद ममता बनर्जी बाध्य हो गई ये स्टेटमेंट देने के लिए कि मुस्लिम्स को एक पुश्त हम पे वोट करना चाहिए, दूसरी पार्टियों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। दिस इन इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन दैट देयर इज अ स्प्लिट। ग्राउंड पे कितना होता है वो तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा, लेकिन जो परसेप्शन के बैटल में अब्बास सिद्दीकी ने ये तो जरूर क्रिएट कर दिया है कि स्प्लिट है। नंबर एक, कांग्रेस ने भी उसमें बहुत बुरी भूमिका है क्योंकि मालदा मुर्शिदाबाद का जो स्ट्रेच है फरक्का तक, वहां बड़ी आबादी है मुसलमानों की। अब मैं आता हूं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। 2019 का चुनाव जब बीजेपी लड़ रही थी तो मैं जिन इलाकों में गया, अभी बांकुड़ा का जिक्र कर रहे थे प्रोफेसर चक्रवर्ती, बांकुड़ा में मुझे बहुत अच्छे से याद है, ऊंदा, साल्टोरा, रानीबांध, इन सारे इलाकों में मैं गया था। वहां पर बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन तब नहीं था, लेकिन आज के डेट में मैं ग्राउंड इनपुट से गांव से बता सकता हूँ। रानीबांध में सुपुर अंचल है, खातड़ा है, यहाँ इलाकों में 21 लोग हैं एक बूथ मैनेजिंग कमेटी में बीजेपी के पास। और यही चीज जिन इलाकों में कम स्थिति थोड़ी ज्यादा कमजोर है वहां 11 है मिनिमम मंडल उन्होंने बनाए हैं। जब पश्चिम मिदनापुर की बात करूं, डेबरा में जहां से हुमायूं कबीर लड़ रहे हैं, आईपीएस अफसर हैं, भारती घोष बीजेपी से लड़ रही हैं, उस सीट में तृणमूल बहुत मजबूत है, उसके बावजूद बीजेपी ने एक एक मंडल में 51 लोगों को रखा है। तो ये जो समझदारी है कि ऑर्गेनाइजेशन में बैक कर रही है बीजेपी, तो 19 की वो स्थिति थी, 21 में वो चीजें पलट गई है। नॉर्थ बंगाल का एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर अब इस चौथे चरण में चुनाव होना है, कल ही वोटिंग होनी है। इसमें बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है क्योंकि उन्होंने वहां की सारी लोकसभा सीटें तो जीती थी, लेकिन वहां पर अब उन्होंने संगठन बना लिया है। और इस संगठन से ही जो विश्वनाथ चक्रवर्ती जिक्र कर रहे थे कि डिफेक्शंस हुए हैं, तो ग्राउंड जब शिफ्ट हुआ है उसके बदौलत डिफेक्शंस हुए हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है। एक चौथा फैक्टर जो मुझे लगता है और बहुत जरूरी है वो ये है कि जब मैंने जाके लोगों से बातचीत में ये पूछा कि ये बताइए कि ये डिफेक्टर था, अब ये इसने घोटाले किए, आप मान रहे हैं सब कुछ किया, ये अब आ गया है बीजेपी में, तो ये कैसे ठीक है? तो उन्होंने कहा कि ऊपर भी कोई बैठा होता है और वो सब चीजों को नियंत्रण में रखता है। ये चीज ममता बनर्जी जी की पार्टी में तो संभव थी, लेकिन ये संभव नहीं है बीजेपी में, क्योंकि वहां पर नरेंद्र मोदी है कंट्रोल करने के लिए। और ये जो फेनोमेना है ना, ये अक्रॉस देखने को मिलेगा, ये आपको नाटाबाड़ी में भी देखने को मिलेगा, ये आपको राजीव बनर्जी दोमजूर में भी देखने को मिलेगा, ये आपको कांथी दक्षिण सीट में भी देखने को मिलेगा, ये आपको बड़े बड़े वेरी इंटरेस्टिंगली सिंगूर में देखने को मिलेगा, जहां रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जो पहले मास्टर मोशाई के नाम से जाने जाते हैं, जो तृणमूल से बीजेपी में आ गए, तो वहां मेरे साथी निखिल का सवाल ही यही था, ये तो भाई जी इतने बार विधायक रहे, लूटपाट वगैरह आप इन्होंने किया, अब आ गए बीजेपी में, तो अब ये ठीक हो गए?
तो जवाब था कि देखिए अब बीजेपी में आ गया ना, ये चीजें कर नहीं पाएंगे। सिमिलरली शुभेंदु अधिकारी के इलाके में भी हमने यही सवाल पूछा था, यही सवाल हमने नॉर्थ 24 परगना में भी लोगों से पूछा, तो वहां रिप्लाई आया कि बीजेपी में ये चीज नहीं हो पाएगी। तो एक विश्वास का भी एक है कि शायद नरेंद्र मोदी का जो ऑरा है उसमें ये चीजें कंट्रोल्ड रहेंगी। और दूसरा, बीजेपी के पास जितने सारे नेता हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, इन चेहरों के बीच में ये भी एक एक चेहरा जुड़ता चला जाएगा और एक कंट्रोल बना रहेगा। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसपे बीजेपी पूरे चुनाव को लड़ रही है, वो ये है कि बीजेपी डिफैक्टो बेनिफिशियरी है इस एंटी इनकम्बेंसी का। लेफ्ट कांग्रेस अलायंस को लोग ऑपोजिशन इस वजह से नहीं मानते हैं क्योंकि वो तृणमूल का जो टेरर है उसको लड़ने के लिए उसमें वो मादा नहीं देखते हैं। ममता बनर्जी ने एक इमेज बनाई है और उस इमेज को एक ही आदमी इस वक्त काउंटर कर सकता है, वो है नरेंद्र मोदी, जिसकी पॉपुलैरिटी ममता बनर्जी से ज्यादा है पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में। ये इस वजह से बीजेपी बनती है डिफैक्टो बेनिफिशियरी। और इस डिफैक्टो बेनिफिशियरी में एक और चीज जुड़ी हुई है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि बीजेपी इज अ नॉन टेस्टेड फोर्स इन बंगाल। दे हैव सीन द लेफ्ट फॉर 34 इयर्स, दे हैव सीन द कांग्रेस बिफोर दैट, दे हैव सीन तृणमूल फॉर द लास्ट 10 इयर्स, बीजेपी को अब तक देखा नहीं है। कई यंग वोटर्स जो बीजेपी के लिए वोकल हैं, उन्होंने हमने उनसे पूछा कि आप क्यों चाहते हो, जो एस्पिरेशन है ना, कि क्यों ना देखें 5 साल इनको, हटा देंगे उसके बाद। और दूसरा जो लेफ्ट का वोटर है, जो लेफ्ट का वोटर है काडर नहीं गांव में, वो ये कह रहा है कि ए बार राम पर बार बाम, कि इस बार तो आ जाए फिर सीधे सीधे लड़ाई होगी। और प्रोफेसर चक्रवर्ती बिल्कुल ठीक है, जो अर्बन फेनोमेना है ना, अर्बन वोटर है जो लेफ्ट का, वो तृणमूल को वोट देगा क्योंकि वो बीजेपी को रोकना चाहता है, नो वोट टू द बीजेपी। बट दिस फेनोमेना कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है जब आप ग्राउंड में जाते हैं, क्योंकि मतलब ग्राउंड के अर्बन भी ग्राउंड है बट रूरल ग्राउंड में जब आप जाते हैं तो वहां आपको देखता है कि ये वही कार्डर है, ये वही वोटर है जिसको प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी तृणमूल कांग्रेस की। ये सारे फैक्टर्स कुल मिला के लड़ाई को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं, जहां पर ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों ही पार्टियां लड़ाई कर रही हैं। एक पार्टी ने 10% से 40% पे जंप मारा है, दूसरी पार्टी 43% पे है और वो चाहती है वो किसी तरह 1-2% का कंटेन कर ले या 1-2% हासिल कर ले जिससे वो सत्ता में बरकरार रह पाएगी। जी, आखिरी बिंदु जिस पे मैं आप दोनों विद्वानों की राय चाहता हूं वो है लेफ्ट, कितना बचा हुआ है लेफ्ट। और एक तो लेफ्ट के पुराने कार्डर ने हमसे ये भी कहा कि देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि इनकी ISF और कांग्रेस से भी कम सीटें आए। दूसरे ने कहा कि डबल डिजिट में पहुंच पाएगी CPM क्या इस बार, जो सूर्यकांत मिश्रा बोल रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पे TMC के साथ नहीं जाएंगे, साथ लाने लायक बचेंगे भी या नहीं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी तो मिक्स बयान देने लगे हैं। तो लेफ्ट का ये बुरा हाल क्यों हुआ, लेफ्ट 2011 के बाद से लगातार किस तरह की टेक्टिकल मिस्टेक्स कर रहा है, और लेफ्ट के साथ जो कांग्रेस है, आप समझिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों नजर तक नहीं आए, बंगाल के चुनाव में असम गए, केरल गए, तमिलनाडु भी गए राहुल गांधी, तो बंगाल उनकी प्रायोरिटीज में कितना नीचे है। क्या इस वजह से है कि वो भविष्य में अगर कभी वो ऐसा एक बीजेपी के विरोध में महागठजोड़ बनाए तो उसमें TMC के आने की गुंजाइश बनी रहे, इसलिए बहुत खुल के विरोध नहीं कर रहे हैं। और ये कई लोगों ने एतराज जताया जो लेफ्ट से जुड़े हुए थे कि किस आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर आप अब्बास सिद्दीकी जैसे नेता के साथ चले गए जो खुल के रिलीजियस टोन इस्तेमाल करता है। और तब जब CPM का एक बड़ा वोट बैंक बांग्लादेश वाले हिस्से से आया, जो रिफ्यूजी था, हिंदू रिफ्यूजी, वो आपके साथ लगातार दशकों तक खड़ा रहा, आपकी लीडरशिप उससे आई, और उनको सबसे ज्यादा जिस चीज से दिक्कत थी उन रिफ्यूजीज को, वो थी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट से, और अब आप उन्हीं के साथ खड़े हैं जो उस तरह की भाषा बोल रहे हैं। प्रोफेसर चक्रवर्ती, देखिए पहले तो ये बात दी है, 2011 से बाद ममता का जो ऑपोजिशन फ्री पॉलिटिक्स, ये एक अप्रोच, कोई माने ऑपोजिशन को नहीं रखेंगे, पंचायत में नहीं रखेंगे, म्यूनिसिपैलिटी में नहीं रखेंगे, कोऑपरेटिव में नहीं रखेंगे, इसका जो फिलोसॉफी था ये इसको हमने विदिन टर्म बोल रहा है जो ऑपोजिशन फ्री पॉलिटिक्स, इसमें इतना तेज था, उसको TMC का गुंडागर्दी था उसमें जुड़ा हुआ था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़ा हुआ था, और एक के बाद एक पंचायत म्यूनिसिपैलिटी जो लेफ्ट के साथ था, कांग्रेस के साथ था, जो जिला परिषद कांग्रेस के साथ था, उस सब को ममता ने अपना ढंग से वो कैप्चर किया था।
लेफ्ट और कांग्रेस प्रोटेक्शन उनका जो कार्यकर्ता है वो जो कर्मी है उसको वो प्रोटेक्शन नहीं दे सका। और बीजेपी 2014 से बाद 2015-16 से हम देख रहे हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, पावर सत्ता में है सेंट्रल, और एटलीस्ट ऑपोजिशन वोटर जो है, ऑपोजिशन जो सपोर्टर है उनको वो ये तो दे कन्विंस्ड देन हमने सत्ता में है दिल्ली में। अब अमित शाह बार बार ये वेस्ट बंगाल में विजिट किया, वो बोला हमने देखेंगे ममता को, वो आंखों से आंख डालकर बात कर रहा था। उसमें ऑपोजिशन वोटर को भरोसा मिला ना, लेफ्ट नहीं पड़ेगा हमको प्रोटेक्शन करने के लिए, कांग्रेस नहीं पड़ेगा, ये अगर कोई पारे तो बीजेपी पड़ेगा कि उसको पास सत्ता है सेंट्रल में, ममता के साथ लड़ाई कर सकते हो। ये जो बेसिक थिंकिंग इस परसेप्शन इसके ऊपर ही बीजेपी में सब टीएमसी विरोधी जो वोटर है गांव में सब इकट्ठा हुआ। और 2018 पंचायत में टीएमसी इतना बुरा किया, इतना मारपीट किया, इतना पॉलिटिकल किलिंग ऑपोजिशन फ्री पॉलिटिक्स में उनको वो जुर्म किया था, जे हर वोटर अपना जो राइट है उसके ऊपर वो 2019 में मतदान किया, 2019 लोकसभा इलेक्शन में मतदान किया अपना हक बचाने के लिए। उसी के लिए बीजेपी सरप्राइजिंगली 18 सीट उनको मिला। अब बीजेपी अगर ये समय सत्ता में आए ये रूरल फेनोमेनन होगा, पहले बार बीजेपी ऑल इंडिया में मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास का पार्टी है, बीजेपी ऑल इंडिया में अर्बन सेमी अर्बन का पार्टी है, लेकिन इवन गुजरात में आप देखें तो गांव में ज्यादा ऑपोजिशन है, शहर में बीजेपी ज्यादा है, 2000 लास्ट गुजरात इलेक्शन में भी ऐसा ही रिजल्ट मिला था। लेकिन पहले बार भारत में एक स्टेट होगा बांग्ला जहां बीजेपी सत्ता में आएगा, गांव से गांव का वोटर उसको वोट मिलेगा उसके लिए वो सत्ता में आ सकते। लोकसभा में ऐसे ही हुआ, लोकसभा में जो जो सीट उन्होंने जीता सबसे जीता वो शहर का गांव का सीट, कलकत्ता आसपास सीट उनको नहीं मिला। इस बार भी हमारा लगता है गांव में उनका थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, लीडरशिप हुआ, और उसके बाद गांव का जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स उसमें दम आ गया, तेज हुआ। अगर शहर में आप आए, शहर में एंटी इनकम्बेंसी तृणमूल का विरुद्ध में एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन पोलराइजेशन उतना नहीं है। कलकत्ता आसपास आप देखें तो उसमें पोलराइजेशन का तेज कम है, ज्यादा से ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी सरकार प्रतिष्ठान विरोधी सरकार विरोधी हवा तेज है। लेकिन सरकार विरोधी हवा में अगर लेफ्ट कांग्रेस 12-15% वोट मिले तो ज्यादा से ज्यादा सीट में तृणमूल का एडवांटेज मिलेगा, क्यों ऑपोजिशन वोट स्प्लिट होगा। गांव में लेफ्ट और कांग्रेस का 5% से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा, लेकिन शहर में जो लेफ्ट लिबरल का दबदबा है इसमें लगता है सीट ज्यादा तो नहीं मिलेगा, लेफ्ट और कांग्रेस का सब मिलकर 20-22 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन उस शहर अंचल में तो पोलराइजेशन नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन इतना तेज नहीं है इसमें एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी वोट अगर लेफ्ट कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ जाए तो ज्यादा से ज्यादा सीट में टीएमसी का एडवांटेज मिलेगा, मेरा आज ऐसा ही लग रहा है। लेकिन वो चेंज भी हो सकते, बीजेपी लेफ्ट का ये जो चुनाव है इसमें दो उनका पॉजिटिव थिंकिंग था, एक कैंडिडेट लेकर यंग जेनरेशन को उनको उन्होंने कैंडिडेट में ये अपॉइंट किया, सब माने सब एजुकेटेड यंग न्यू, पहले वेस्ट बंगाल में लेफ्ट सब उसको एक बांग्ला में बोलता है विद्युतंत, ओल्ड पीपल आर दे आर ओल्ड गार्ड्स आर दे आर इन सीपीआईएम पॉलिटिक्स, बट दे अपॉइंटेड ऑल न्यू जेनरेशन, दे हैव नॉमिनेटेड देयर कैंडिडेट, मोस्ट ऑफ देम आर एजुकेटेड यंग जेनरेशन, एंड दिस इज अ पैराडाइम शिफ्ट from old guard to new guards in left politics, and second is that left populist politics mein unko start kiya,
वो जैसे ये इलेक्शन कैंपेन कर रहा है, स्लोगन कर रहा दे रहा है, उसमें पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का टच है। पहले वो लोग उनको जो कल्चर था गोनोनाट्टो इज ए काइंड ऑफ ओल्ड मार्क्सिस्ट कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दे प्रोमोटेड द इलेक्शन कैंपेन, दे वर एंगेज इन इलेक्शन कैंपेन। लेकिन ये साल जो हम लोग देखा एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, वो पॉपुलिस्ट सॉन्ग पॉपुलर सॉन्ग उसको पकड़ कर वो प्रचार कर रहा है, पार्टी के प्रचार कर रहा है। सो ए नया कैंपेन ढोंग आया, लेकिन इससे उनका ज्यादा से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा। हमारा लगता है जो यंग सेकुलर जो वोट है, जो पार्टी बीजेपी को ठकाना चाहते हैं, वो लोग वोट तो जरूर लेफ्ट कांग्रेस को करेगा। लेकिन उससे अर्बन, ये बेसिकली अर्बन फेनोमेनन, गांव में लेफ्ट कांग्रेस का उतना वोट नहीं है, 5% से ज्यादा नहीं है। लेकिन शहर में ऐसा हो सकते 12-15% उसको वोट मिल सकते हैं जोट को। जहां ये वोट मिलेगा वहां तो डेफिनेटली टीएमसी को एडवांटेज मिलेगा, कि ऑपोजिशन स्प्लिट का तो फायदा टीएमसी की मिलना है। इससे पहले कि मैं अपने साथी प्रशांत मुखर्जी के पास इस विषय पर आखिरी टिप्पणी के लिए आऊं, मैं अपने हिस्से की 2-3 चीजें जोड़ना चाहूंगा। बीते दिन मेरी बीजेपी के एक बहुत सीनियर लीडर से बातचीत हो रही थी और भी वहां पर पत्रकार मौजूद थे और अनौपचारिक चर्चा थी। उसमें ये बात आई, किसी ने फिर से ये कहा, यही सवाल जो प्रोफेसर चक्रवर्ती ने बोला कि साहब बीजेपी तो ये पहली बार होगा कि रूरल से जीत के और फिर अर्बन कैप्चर कर रही क्रमशः। एंड ही डिसएग्रीड विद दिस ऑब्जर्वेशन, ही सेड कि इट्स अ वेरी पॉपुलर मिथ कि बीजेपी शहरी पार्टी है। ही सेड कि आप देखिए हमारे सारे बड़े लीडर अपना पहला चुनाव या अपने शुरुआती चुनाव किन इलाकों से जीत के आते हैं, और हम एक दिल्ली का बात छोड़ते हैं, आप देखिए मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलुरु में या कोलकाता में कब जाके मजबूत होते हैं। बेंगलुरु में हम बहुत बाद में एक फोर्स बन पाते हैं, मुंबई में बहुत बाद में फोर्स बन पाते हैं। तो शहरों में हम उतने प्रभावी नहीं थे, जो टीयर 3 सिटीज थे, गांव कस्बे थे, वहां से जनसंघ की जीत की शुरुआत होती है। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उदाहरण देते हैं कि वो जौनपुर से चुनाव लड़ते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हैं कि वो बलरामपुर से संसद में पहुंचते हैं, इस तरीके के कई उन्होंने उदाहरण दिए। तो उन्होंने कहा कि ये जब राम जन्मभूमि का मूवमेंट आया, उसके बाद ऐसा हुआ कि 89 ऑनवर्ड्स हमने शहरी इलाकों से कांग्रेस को बेदखल करना शुरू किया, और उसके बाद से ये परसेप्शन मजबूत होता चला गया। दूसरी बात जो यहाँ पर कही गई, प्रोफेसर चक्रवर्ती ने कही कि एक यंग लीडरशिप ला रहा है सीपीएम, भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक लेफ्ट की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए बड़े युवा चर्चित आइडियोलॉग माने जाते हैं, उन्होंने भी इस ऑब्जर्वेशन पर एतराज जताया। उनका ये कहना था कि सिर्फ यंग फेसेस ले आने से परिवर्तन थोड़ी ना हो जाएगा, जो टॉप लीडरशिप है वहां पे वो यंगस्टर्स कहाँ है। और दूसरी चीज उन्होंने कही कि टॉप लीडरशिप में भी आप अगर यंगस्टर्स ले आओ तो उतने से भी बदलाव नहीं होगा, पॉलिसी और प्रोग्राम कहाँ है जिसमें आप हेड ऑन भिड़ सको, वो कहाँ गई वो ऊर्जा जिसमें आप गांव गांव जाते थे, चीजों को दुरुस्त करते थे, जो आपने लेट 70s में की, जिसके जरिए आपने पावर कैप्चर की, और 80s में की, 80s में आपने पंचायत सिस्टम को मजबूत किया गांव के लेवल पर, मेडिकल फैसिलिटी गांव के लेवल पर, स्कूल, आपके टीचर थे जो वो आपकी पार्टी का अभिन्न हिस्सा माने जाते थे, दे यूज टू बी अ वेरी रिवर्ड फिगर। लेकिन 80 ऑनवर्ड्स आप उस ग्राउंड पर भी लगातार हारते चले गए। तो आप सिर्फ यंग लीडरशिप को ले आओ, या फॉर आर्ग्यूमेंट से उस यंग लीडरशिप को सेंट्रल लीडरशिप में भी रिप्रेजेंटेशन दो, पर जो थर्ड चीज है पॉलिसी प्रोग्राम लड़ाकापन, जो किसी तरह से केरल की लेफ्ट यूनिट ने बचा के रखा है। हालांकि जैसे ही केरल की लेफ्ट यूनिट का जिक्र आता है, वो एक पॉपुलर टर्म भी चलने लगता है, मोदी इन मुंडू, कि वहां पे भी वो कलेक्टिव लीडरशिप से एक अथॉरिटेरियन लीडरशिप की तरफ बढ़े, जहां पर पिनराई विजयन ने पार्टी पे भी होल्ड रखा है, सरकार पे भी होल्ड रखा है, और इसलिए वो फाइट में नजर आ रहे हैं। तो वो उनका पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 जो मैं कोलकाता में 2-3 दिनों से कई ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो एकेडमिक सर्कल में है, जो किसी तरह एक एडजस्टमेंट करके लेफ्ट से टीएमसी की तरफ आए थे, और वो एक सेंस ऑफ रेजिग्नेशन में जी रहे हैं कि हाँ हमें लग रहा है कि बीजेपी आ सकती है लेकिन हम अभी तैयार नहीं है। या हमने नंदीग्राम में देखा कि किस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटीज की जो फैकल्टी है वो वहां पर ममता बनर्जी के लिए प्रचार कर रही थी। और उसी क्रम में ये बात आई
कि लेफ्ट का कुछ एक काडर है जो घर पे जाके ये भी बोल रहा है कि मासिमा इस बार राम अगली बार वाम, लेकिन कई लोगों का कहना है कि इट्स अ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर, कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि अभी हम थोड़ी सी जमीन गंवा देते हैं, एक टैक्टिकल रिट्रीट कर लेते हैं, एक बार टीएमसी खत्म हो जाएगी तो अगेन इट विल बी राइट वर्सेस लेफ्ट, पर तब तक आप कितने बचे रहेंगे एक बार जब आप ये जमीन गंवा देंगे, और आप किस स्ट्रेटजी से, ऑटोमेटिकली तो आप रैली पॉइंट नहीं बनते ना, बीजेपी 2011 में भी थी, 2016 में भी थी, बीजेपी उससे पहले भी थी, लेकिन जब आपने अपनी पूरी फोर्स लगाई, कार्डर लगाया, लीडर लगाया, नैरेटिव लगाया, स्ट्रेंथ लगाई, माइट लगाई, उसके बाद आप रैलिंग पॉइंट बने ना। 2011 में एंटी इनकम्बेंसी रैलिंग पॉइंट ममता बनर्जी थी, 2021 में वो रैलिंग पॉइंट बीजेपी दिख रही है। प्रशांत, योर टेक। सौरभ, मैं आपकी बात से बहुत मतलब 90% अग्री करता हूँ, बस इसमें एक चीज जो मैं छोटी सी जोड़ना चाहूंगा वो ये है कि एक्चुअली लेफ्ट की ये कोशिश थी कि वो विन बैक कर ले अपने वोट्स को, क्योंकि कोई भी पार्टी चाहेगा कि उनकी ताकत मजबूत हो। जब ये ग्राउंड पर गया, वहां से रेजोनेशन नहीं मिला, तब एक्चुअली मेरे जो लेफ्ट के बहुत सारे मित्र हैं जिनसे मैं लगातार इस दौरे में मिला हूँ पर्सनली और जब डिस्कस किया हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, नोदिया जिले में बहुत सारे होल टाइमर्स हैं, बांकुड़ा में होल टाइमर्स हैं, इस जगह जो पूर्णकालिक सदस्य हैं, उनके जबान से अगर मैं बताऊं, उन्होंने जो मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि हमने तमाम कोशिशों के बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि एक बार हमें देना ही है वोट बीजेपी को, एक बार लाने तो दो, आप तो यहीं हो, आप कहीं नहीं जाओगे, आपसे लड़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो नीचे का कार्डर है ना, वो पूरी तरह से हार गया इस नैरेटिव को लेके जाने में। और जो आप बता रहे हैं कि कार्डर मतलब अपने हथियार डाल चुके हैं, ये है स्थिति। अब जो इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि तृणमूल कांग्रेस आफ्टर ऑल एक ऐसी पार्टी थी जो कोई आइडियोलॉजी से बैक्ड नहीं थी। यहां जो सबसे बड़ा परिवर्तन अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने में कामयाब होती है होगा, वो होगा कि एक पॉलिटिकल आर्म है बीजेपी, एक विशेष विचारधारा के, और उस विचारधारा के पीछे आरएसएस है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसके पैर अभी पश्चिम बंगाल में नहीं फैले हैं, वो फैलाएगा। ये पहली, ये मतलब ऐसे बहुत चुनाव हुए होंगे यहाँ बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी से गेन किया है, जब आरएसएस अपने पैर फैलाना यहाँ शुरू करेगा वहां आइडियोलॉजिकल बैटल बीच में आएगा। क्योंकि अगर तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने लेफ्ट के लोगों पर वायलेंस किया है तो वो जैसे प्रोफेसर विश्वनाथ बता रहे थे और एब्सोल्युटली एकदम ऑन पॉइंट बता रहे थे कि वो तो ऑपोजिशन को खत्म करने वाला एक टेक्निक था जो लेफ्ट भी करना चाहता था, जो ममता बनर्जी दरअसल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लेफ्ट एक आइडियोलॉजी से ड्रिवन था, तृणमूल कांग्रेस कोई आइडियोलॉजी से ड्रिवन नहीं था। ममता बनर्जी ने वो पार्टी सोसाइटी के अंदर मनी पैसा इन्फ्लक्स कर दिया, उसके बाद उन्होंने जो क्लब्स होते थे उनके थ्रू गवर्नेंस चलाना शुरू किया, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप परिवर्तन हो जाएगा तो उनके ऊपर एक आइडियोलॉजिकल फोर्स होगा, और जब आरएसएस काम करेगी तो बहुत नीतिगत ढंग से काम करेगी, वो उसका एक काम करने का तरीका दूसरा होगा। और इसी में जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बंगाल ने पार्टीशन दो बार झेला है, बंगाल इज वेरी मच अ रिलीजियस सोसाइटी, बट रिलीजन वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज उसको उस तरह से यूज नहीं किया जाता था। हाँ, हमेशा से बंगाल में आप दौरा कर रहे हैं सौरभ, आपने भी बहुत जगह देखा होगा, बहुत अलग फेनोमेना जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, हिंदू होटल, मुस्लिम होटल, पॉलिटिकल डिवाइड, पोलराइजेशन नॉर्थ में भी है, बट नॉर्थ में आपको होटल के नाम के आगे हिंदू होटल लिखा हुआ नहीं दिखेगा या मुस्लिम होटल लिखा हुआ नहीं दिखेगा। नाज होटल आप उससे समझ लेते हैं कि वो एक मुस्लिम होटल है नाम, मगर बंगाल में वो क्लियर है, आप लाइन से ट्रेवल करिए हाईवे के साइड में, वहां हिंदू होटल आपको लिखा हुआ दिखेगा, शहरों में, रूरल टाउन्स में आपको दिखेगा। सो दिस सेंटिमेंट, वही जो प्रोफेसर चक्रवर्ती बता रहे थे कि जो बीजेपी का पॉलिटिकल प्लान था उस पे बीजेपी कामयाब हो चुकी है, वो सेंटिमेंट फोर पे आ गया है। उदाहरण के लिए एक एनेक्डोटल बात बताता हूँ, डायमंड हार्बर में था, डायमंड हार्बर एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर पंचायत चुनावों में उम्मीदवार तृणमूल के अलावा और कोई नहीं था, उसमें मुस्लिम सिर्फ 30% है, 70% के आसपास हिंदू है। तो हम एक मोहल्ले में पहुंचे और रुके, गाड़ी रोक के जैसा हम हमेशा करते हैं, रिपोर्ट से पहले बहुत देर एंगेज करते हैं ताकि वो हमसे खुल जाएं और हमसे बात कर सके। तो उन्होंने मुझसे एंगेज किया, बात करने लगे, तो मैंने कहा आप बात करने में कतराएंगे तो नहीं? तो कहता नहीं, यहाँ तो किसी बात का डर नहीं है, यहाँ तो सारे हिंदू रहते हैं। मैंने कहा मैंने तो एक बार भी नहीं पूछा, मैंने मतलब डर तो कहीं से भी हो सकता है क्योंकि लोग हमसे बात करने से कतराते हैं, शायद आप हमसे डरते हैं।
तो बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ जो डर है वो है सत्ता प्रशासन के खिलाफ बोलने से। तो ये जो सारे फैक्टर्स है ना कि पोलराइजेशन अल्टीमेटली एंटी इनकम्बेंसी से हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कम्युनल लाइंस पे भी हो गया है, क्योंकि जो बैगेज पहले से था वो फ्लेयर अप कर दिया गया है। तो एक वेरी रिलीजियस सोसाइटी में जब आप इस तरह का कोई चीज लेकर आ जाते हैं या इस तरह की कोई चीज आ जाती है तो उसको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और लेफ्ट के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि लेफ्ट अब वो स्पेस एकेडेमिया में भी एंजॉय नहीं करता है जो पहले करता था। तो जहां से वो नैरेटिव लेकर जाते थे, जैसे कि आप टीचर्स की बात कर रहे थे, ऑल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन होता था, और भी टीचर्स एसोसिएशन होते थे इनके, जो स्टूडेंट एसोसिएशन और टीचर्स एसोसिएशन में एक सामंजस्य था जहां से ये पूरी बात अपनी करते थे, जहां से ये अपना पूरा मतलब जो, और खासकर की बहुत सारे नेता भी तो टीचर हुआ करते थे, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर होते थे, पार्टी के एलसीज के आज भी नेता सीपीएम के टीचर्स ही हैं, सारे स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ये जो नेटवर्क है ये भी कमजोर हो गया है कहीं ना कहीं। तो इसके बाद लेफ्ट के लिए एक आइडियोलॉजिकल बैटल होगा पश्चिम बंगाल के अंदर लड़ना, जो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा अगर बीजेपी किसी तरह भी सत्ता में बंगाल में आ जाती है। एक चीज जो यहाँ, एक और चीज जो डेवलपमेंट हो सकता है पश्चिम बंगाल के अंदर, वो ये है कि देखिए इस समय बीजेपी के उत्थान में बहुत सारे लोग जो है वो अंदर में ग्राउंड लेवल कैडर्स में लेफ्ट के वोटर हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी देखी लेफ्ट के अंदर जो पार्टी का जो मशीनरी था वो पूरा एक पिरामिडल स्ट्रक्चर था, फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच चलता था, वो उन्हें बीजेपी में भी देखने को मिला। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के अंदर वो ऐसा नहीं था, पार्टी के चार पांच तरह के फैक्शन हुआ करते थे और कोई अप्रोच उस तरह का दिखता नहीं था। तो इस वजह से बहुत ज्यादा रेजोनेट किया है लोगों ने बीजेपी के साथ। और लेफ्ट के लिए आप बहुत सही बता रहे थे कि बहुत यंग लोगों को टिकट दिया है, बिल्कुल दिया है, लेकिन वहां पर बहुत सारी चीजों में गलती भी की है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर श्रीजान भट्टाचार्य इनके एसएफआई के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं और सिंगूर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि श्रीजान ने हमेशा अपनी जिंदगी कलकत्ता में बिताई है, वो कलकत्ता में रहे हैं, अभी स्टूडेंट विंग के सेक्रेटरी बने। तो अगर सिंगूर के किसी युवा को टिकट दिया जाता सिंगूर से, तो वो वहां पर मेहनत करके या आगे बढ़ने में कामयाब हो पाता या उसका एक ग्राउंड रहता, जैसे कि इन्होंने वो किया है अपने मधुजा सेंडरा को झाड़ग्राम से दिया, वो झाड़ग्राम के रहने वाली। तो ये भी फैक्टर लेफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस जगह आप कैंडिडेट दे रहे हो वहां से ऐसा ना लगे कि पैराशूटिंग की गई है कैंडिडेट। समय की थोड़ी सी कमी है, मैं आप लोगों को यहां पे सुशांत I would like to add one point that अगर बीजेपी सत्ता में आए, जैसा लग रहा है आने का चांस बहुत है, अगर बीजेपी सत्ता में आए मेरा प्रेडिक्शन है टीएमसी पार्टी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? ये इस बात में मैं आपसे अग्री भी करूंगा। आइडियोलॉजिकली उनको तो कोई बाइंडिंग नहीं है जी। और जो पोलराइजेशन है पॉलिटिक्स शुरू हुआ, इवन ममता बनर्जी भी बोल रहा है अगर हमको 200 आसन नहीं मिलेगा तो हमारा सब गद्दार चला जाएगा, बीजेपी उसको खरीद लेगा, वो तो पब्लिक रैली में बोल रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो प्रोफेसर चक्रवर्ती बना रहे हैं कि अगर टीएमसी चुनाव हारती है तो फिर उस पार्टी का भविष्य क्या होगा। इस सब विषयों पर हम लगातार आगे भी चर्चा करते रहेंगे। प्रोफेसर चक्रवर्ती, आप नेता नगरी में आए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रशांत। बढ़ते हैं अगले विषय की तरफ। नेता नगरी में अब बातचीत होगी कोविड वैक्सीन को लेकर, कोविड की बीमारी की रोकथाम को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच जो टसल चल रही है उस पर। और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार राहुल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये मेरा फेवरेट होता है राहुल जी, जब किसी भी वक्ता के पृष्ठभूमि में किताबें नजर आती हैं। आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? आजकल किताबें नहीं, आजकल मैं सिर्फ रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ सौरभ। तमाम रिपोर्ट आ रही है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 12.5% बढ़ जाएगा भारत का ग्रोथ रेट अगले साल, 6.8% कुछ होगा। सरकार कह रही है अपनी मार्च की मॉनिटरी रिपोर्ट में, मंथली रिव्यू रिपोर्ट में, कि कोविड का जो दूसरा झटका आया है उसके बावजूद इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ेगा। एक कोविड को लेकर के तमाम रिपोर्ट हो रही हैं। मैंने कुछ टेबलें बनाई हैं बैठ करके, बुढ़ापे में बड़े मुश्किल काम किया है कि किस तरह से कितने लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और कहाँ वैक्सीन जा रहे हैं। तो आजकल किताब कम, आंकड़े ज्यादा देख रहा हूँ। आपकी मैं सब बातों से सहमत हूँ, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन पे आए हाईली ऑब्जेक्ट, बुढ़ापे में। बुढ़ापा तो तब माना जाएगा जब सक्रियता कम हो जाए,
अगर आप अभी भी टेबल बना रहे हैं तो फिर आप बूढ़े कैसे हुए, आप तो जवानों से भी ज्यादा जवान हुए। नहीं, बुढ़ापा ये उम्र का तकाजा है, टेबल बनाना बुढ़ापा उम्र का दायरा होता है। जी राहुल जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पिछले दिन प्रधानमंत्री और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच जो फिलहाल कोविड की स्थिति उसको लेकर बातचीत हुई, नाइट कर्फ्यू, वैक्सीनेशन, सख्ती, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब चीजों पर बात हुई। सोशल मीडिया पर इस चीज का भी बहुत शोर है कि ये सारे जो पैमाने हैं ये वहां पर क्यों आयात किए जा रहे हैं जहां पर चुनाव है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, अलग अलग किस्म के धार्मिक जलसे और जुटान हो रहे हैं, और इस बीच कुछ पुलिस की क्रूरता के और दूसरे तरह के वीडियो भी आ रहे हैं। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि केंद्र और राज्यों के बीच जो टसल है उसमें क्या पॉलिटिक्स चल रही है, चाहे वो टीकों की मांग को लेकर हो या दूसरी चीजों को लेकर। देखिए सौरभ, मैं इस प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। मैं कहूंगा कि पिछले साल मार्च के महीने में जब कोविड के पैर जरा कायदे से हिंदुस्तान में उतरे थे, तब से लेकर के अगर कोविड बढ़ा है और उसके तरीके बदले और तमाम तरीकों से उसको नापने के लिए, ठीक करने के लिए कोशिशें हुई, एक बात कही जा सकती है कि राजनेताओं ने इस पे जम के राजनीति की है। और राजनीति सिर्फ इस बात पे नहीं हो रही है कि चुनाव के मैदान में कहाँ पे कौन क्या कर रहा है, मास्क लग रहा है नहीं, राज्य सरकारें कह रही हैं कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है। अगर आप पिछला इतिहास छोड़ दें और जनवरी से इतिहास देखें तो जब वैक्सीनेशन आया तो अब आप ये कहेंगे कि वैक्सीनेशन आने पे एक पूरे देश में थोड़ी चिंता कम होनी चाहिए थी, सजगता बढ़ती रहनी चाहिए थी। लेकिन आप देखिए तमाम बयानात जो आए तो नेताओं की रस्साकशी में जो पॉलिटिकल इंपैक्ट होता है वो उसको देखिए तो राहुल गांधी कांग्रेस और तमाम नेताओं, राज्य विपक्ष के नेताओं ने वैक्सीनेशन को लेकर के तमाम चिंताएं जताई। वो चिंताएं जो थी वो चाहे सही रही हो या गलत, उनका एक इंपैक्ट तो आप कहेंगे कि लोग सशंकित हुए वैक्सीन को लेकर के। और उसको देखिए, उसको लेकर के हालत ये पहुंची कि पूरे देश में जब फ्रंट पे थे मेडिकल फ्रंट पे थे, पुलिस के कर्मी थे, उनमें एक कोविड हेजिटेंसी आई, लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए नहीं जा रहे थे। आप अगर आंकड़े देखें तो हरियाणा जैसा समृद्ध राज्य है जहां पढ़ाई का स्तर भी ठीक ठाक है, वहां हालत ये है इस समय पे, मैं बताता हूं आपको कि डेली सिर्फ 63,000 वैक्सीनेशन लग रहे हैं, वहां वैक्सीन लगवाने वाले नहीं है। और हालत यह है कि लोग रो रहे हैं कि उनके पास वैक्सीनेशन खत्म हो रहे हैं। हरियाणा को जो अभी आज की तारीख में उनके पास स्टॉक है, उनके पास 12 दिन का स्टॉक है, और नई खेप जो अगर उनके पास आ गई तो 43 दिन का स्टॉक उनके पास होगा। ये हेजिटेंसी के कारण हुआ क्योंकि बड़ी सारी शंकाएं जगा दी गई। एक तरफ शंकाएं जगाई गई पहले सरकार की तरफ से कोताही हुई कि सरकार और विपक्ष के बीच में समन्वय को, जिसे कहा जा सकता है कि रेजा रेजा तोड़ दिया गया, छीन दिया गया, क्योंकि चुनाव भी लड़ने हैं, चुनाव में अगर कहीं सामंजस्य दिख गया तो आपको नुकसान हो सकता है। हालत ये पहुंची कि लोग वैक्सीन लगवा नहीं रहे थे, और उस कगार पे पहुंचने के बाद अचानक जब सेकेंड सर्ज आया तो विपक्षी दल कह रहे हैं कि साहब सबको लगा दीजिए वैक्सीन। वही वैक्सीन जो आज से 1.5-2 महीने पहले जिसके बारे में शंकाएं दी जा रही थी, कहा जाता था कि इसकी एफिकेसी नहीं है, इसकी टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हुई है, इसको कौन कहता है कि ये ठीक है, ये बाहर से आ रही है, चीन से आ रही है, इसमें बीफ है, इसमें जानवर का मांस है, उसके बाद आज कहा जा रहा है कि सबको वैक्सीन लगा दिया जाए। क्या इस देश की राजनीतिक दलों को ये नहीं मालूम कि इस देश की आबादी 140 करोड़ के करीब है, पूरे दुनिया में इस टाइम सिर्फ 2 बिलियन वैक्सीनेशन है। अगर सारे वैक्सीन भी यहां ठूंस दिए जाएं तब भी इस देश की आबादी को वैक्सीनेशन के 2 राउंड नहीं लग सकते। मगर एक उत्तेजना जगाई जा रही है, पहले डाउट क्रिएट गए, दूसरी तरफ उत्तेजना जगाई। इसका कारण सिर्फ ये भी है कि सिर्फ विपक्ष नहीं, सौरभ कहीं ना मैं कहूंगा कि कहीं सरकार भी ऐसे पैंडेमिक के समय में एक सामंजस्य जो बिठाना चाहिए विपक्ष के साथ में, उनको साथ में लेके बातचीत करते हुए, विपक्ष सीएम के साथ मीटिंगें बहुत होती हैं, लेकिन
जो एक सामंजस्य दिखना चाहिए वो आज तक नहीं दिखा है, और उसी का नतीजा है कि हम उन चार बिना आंख वालों की तरह से हैं जो कि हाथी के पैर तो टटोल रहे हैं मगर ये जानते नहीं है कि हाथी होता कैसा है। राहुल जी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि एक बड़े तबके में ये मांग भी चल रही है कि एक जो आपने एज कैप लगा रखी है और एक जो आपने परचेजिंग कैप लगा रखी है, उन दो पर सरकार पुनर्विचार करे। जो लोग सक्षम हैं, पे कर सकते हैं, हु डू नॉट वांट फ्री वैक्सीनेशन, तो 18 प्लस में भी आप अलाउ करें। एक इस चीज को लेकर बहुत प्रमुखता से मांग हो रही है, कई राज्य मांग कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो एक मौजूदा सिस्टम है जिसमें केंद्र वैक्सीन खरीद रहा है कंपनी से और फिर स्टेट्स को एलोकेट कर रहा है, तो कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई स्टेट अगर डायरेक्टली परचेज करना चाहें तो वो कर सकते हो, सीधे वो कंपनियों से डील करें। तीसरी बात इसमें एक ये भी आ रही है कि अभी तक दो वैक्सीन हैं जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन जिसको हम भारत में अलाउ कर रहे हैं, लेकिन और भी कंपनियां हैं, चाहे वो स्पूतनिक हो या जॉनसन की वैक्सीन हो सिंगल डोज वाली, तो हम उनके ट्रायल को भी अगर तेजी से करें और उसको लाएं तो ज्यादा विकल्प रहेंगे। मैं इन तीनों विषयों पर जानना चाहता हूं आपकी क्या राय है, केंद्र और राज्य सरकार कहां ठिठके हैं। देखिए, जहां तक बाहर के वैक्सीन और उनकी एफिकेसी और तमाम लाइसेंसिंग के मामले हैं, इसको लेकर के थोड़ी सी शंकाएं हैं। उनके लाइसेंस जॉनसन एंड जॉनसन का कहा जा रहा है कि उनका वैक्सीन जो कि सिंगल डोज वैक्सीन हो सकता है, बाकी दो जो अभी प्रचलन में है वो डबल डोज वैक्सीन है। जॉनसन एंड जॉनसन का सिंगल डोज वैक्सीन हो सकता है, वो काफी करीब है बाजार में आने के, तो उसको लेकर के थोड़ी सरकार को आग बंधी है। लेकिन अगर आप इस पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव को देखें तो इसमें कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक और एक नेशनल इशू इन्वॉल्व हो गया है। नेशनल इशू इन्वॉल्व ये है कि आप ये कहेंगे कि, और लॉजिकल इशू भी है कि बाहर के तमाम वैक्सीन है उनको परमिशन नहीं मिल रही है। देखिए, एक परेशानी जो चल रही है वो ये है कि भारत बहुत तरह से बहुत देशों से पिछड़ा जरूर हो सकता है मगर वो पूरी दुनिया का वैक्सीनेशन प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग हब है। जितना मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान कर सकता है उतना मैन्युफैक्चरिंग बाहर के देश भी हमसे ही बनवाते हैं। अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर आप यूरोप के देश देखें, अमेरिका को देखें, तो इन बड़े देशों ने ऑलरेडी एक मियाद और एक ऑर्डर इशू कर दिए हैं कि फाइजर हुई और कुछ तमाम कंपनियां जो बड़ी कंपनियां अमेरिका में जैसे मैन्युफैक्चर कर रही हैं, एस्ट्राजेनिका है, इन कंपनियों के लिए ताकीद कर दिया गया है कि ये अपनी वैक्सीन बाहर नहीं जा सकते हैं। ये बड़े देश जो हैं होर्डिंग कर रहे हैं इस समय अपने देशवासियों को वैक्सीन लगाने के लिए। और इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने शिकायत भी की थी कि यूरोपियन यूनियन पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है और ऑस्ट्रेलिया को वैक्सीन नहीं मिल पा रहे हैं। तो सब रहा सवाल वैक्सीन का, तो ये थोड़ा पेचीदा मामला है कि अगर हम कहें कि बहुत लोगों को परमिशन नहीं मिल रही है तो क्या इसमें एक तो साइंटिफिक कम्युनिटी का विश्वास करना होगा आईसीएमआर का कि क्या कितने करीब हैं, कितने कारगर होंगे, एफिकेसी कितनी होगी, कितने सप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि अगर एक कार्यक्रम लॉन्च कर दिया जाता है और उस कार्यक्रम में मान लीजिए हम किसी और पर डिपेंडेंट हैं जिसकी डिलीवरी रेट को हम नहीं मान सकते, जिस तरह से कि अगर आप सीरम इंस्टीट्यूट को ही देखें तो उन्होंने कहा, जिस तरह कहा था कि 9.7 करोड़ वैक्सीनेशन वो कोवैक्स वगैरह के जो प्रोग्राम है WHO के लिए उसके लिए देंगे, उन्होंने टोनिंग डाउन किया है, 6 करोड़ के करीब उन्होंने अपने कर दिए हैं टारगेट को। भारत में ये कह दिया है कि जून के महीने तक सीरम इंस्टीट्यूट सिर्फ भारत के लिए फोकस करेगा। तो ये जो सेकेंड सर्ज आई है इसके कारण भी काफी न्यूमेरिकल बदलाव हो रहे हैं जहां तक मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी का सवाल है। लेकिन रही बात जो कि 45 साल के ऊपर के लोगों की बात है और प्रायोरिटाइजेशन की है, उसमें सौरभ मैं जो सरकार कह रही है, हर्षवर्धन जी ने कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ग्लोबल नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं। देखिए, अगर इस रेट को अगर आप आज आप देखें तो भारत ने जितने वैक्सीनेशन अभी तक लगाए हैं वो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी और अवेलेबिलिटी के सिंक में है। अगर आप इसको दायरे को 18 साल से ऊपर तक ले जाते हैं तो आप एक बहुत बड़ा फ्लडगेट खोल देते हैं नंबर ऑफ पीपल हु बिकम एलिजिबल, यानी जो एलिजिबल हो जाएंगे इस वैक्सीनेशन के लिए। क्या आपका पहला प्रोडक्शन इतना है कि आप उस पूरी डिमांड को मीट कर सकते हैं? क्योंकि अगर अभी तक देखें आप तो भारत में करीब टोटल जो वैक्सीनेशन सप्लाई किए गए हैं
उनका नंबर और जो अवेलेबिलिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और इसको देखते हुए सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं एक एक सीलिंग बना करके रखनी पड़ेगी, नहीं तो अगर सडन सप्लाई होती डिमांड होती है तो उसको सिस्टम मीट नहीं कर पाएगा। दूसरा, आज की तारीख में जब एक सेकेंड सर्ज आ रही है, उस टाइम पे सरकार का कहना है कि क्या हमारे पास इतने हेल्थ वर्कर्स हैं या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम इतने बड़े नंबर को इस स्केल पे अगर वैक्सीनेशन दे पाएंगे। मैं कुछ आंकड़े कोट करूंगा जो कि सरकार के आंकड़ों से आते हैं कि जो कि राज्य सरकारें हैं जहां पे तीन दिन की सप्लाई बची है, यानी जो सरकारें तीन दिन की छोटी सप्लाई मानते हैं, 12 राज्य ऐसे हैं सौरभ जो कि 1,00,000 से कम वैक्सीनेशन रोज कर रहे हैं, 1,00,000 भी नहीं कर रहे हैं रोज। 4 राज्य ऐसे हैं जो सिर्फ 1 से 2,00,000 की का काम कर पा रहे हैं, 8 राज्य ऐसे हैं जो कि 2,00,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन लगा पा रहे हैं। तो यानी आपकी क्षमता जो है वो इस चीज से दर्शाती है कि 12 राज्य 1,00,000 वैक्सीनेशन रोज नहीं लगा पा रहे। जब 1,00,000 वैक्सीन नहीं लगा पा रहे 12 राज्य इस देश के, जो कि करीब आधे से थोड़ा कम है या एक तिहाई मान लीजिए, तो ये कैपेसिटी अगर 18 साल तक ले जाए, एलिजिबिलिटी 18 साल ले जाई जाएगी, तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और अगर देखी जाए तो जो राज्य ऐसे जिनके पास 3 दिन की अवेलेबिलिटी है वो 20 हैं, जो राज्य जिनके पास 10 दिन से ज्यादा की अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ 6 हैं। तो आप समझिए कि अवेलेबिलिटी का इशू है और आपकी कैपेबिलिटी का इशू है। इन दोनों इशू के लेते हुए क्या ये डिमांड वाजिब है? लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इसमें सरकार की एक बहुत बड़ी खामी जो मैं अगर आंकड़ों पे देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश को अभी तक 90,00,000 वैक्सीनेशन दिए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र जैसे राज्य को इससे कम वैक्सीनेशन मिले हैं। और इसमें एक बात तय होनी चाहिए थी कि जो वैक्सीनेशन डिलीवरी का मैकेनिज्म होना चाहिए था वो उन राज्यों को ज्यादा मिलना चाहिए था जहां हैवी लोड शुरू हो गया था सेकेंड सर्ज का, या जहां पिछली बार ज्यादा केसेस कोविड के रिकॉर्ड हुए थे। और अगर आप पिछले आंकड़ों को देखकर कहते तो महाराष्ट्र जैसे राज्य को शुरू में ही ज्यादा वैक्सीनेशन मिलते, और आज जो ये डिमांड आ रही है कि हमारे पास किल्लत है, महाराष्ट्र कहता है कि सिर्फ हमारे पास 3 दिन का वैक्सीनेशन बचा है या 2 दिन का बचा है, ये सवाल जवाब नहीं आ रहे होते। आपका पंजाब क्राइसिस स्टेट था, पंजाब को वैक्सीनेशन कम मिले। आप कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव के दौरान तमाम भीड़ उमड़ रही है, मास्क नहीं लग रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब है कि आप एक दूसरे से मिलीमीटर भर की दूरी पे हैं। वेस्ट बंगाल की हालत मैं आपको बताऊं कि 83,00,000 उनको वैक्सीनेशन मिले, उसमें से सिर्फ 70,00,000 लगे हैं, और यही नहीं कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, उनके पास 13,00,000 वैक्सीनेशन अभी बचे हुए हैं, 13 दिन का माल उनके पास है, वो डेली सिर्फ 2.6 लोगों को 60,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगा पा रहे हैं। इधर ऐसे ही चुनाव हालत आसाम की भी है, 17,00,000 वैक्सीनेशन मिले, उसमें से 70,00,000 मिले, 17,00,000 मिले, 14,00,000 इस्तेमाल हुए, उनके पास अभी भी 27 दिन का माल, अगर नया माल आ जाता है तो मौजूद होगा। हरियाणा तो सबसे बुरा हाल है, मैं कहूंगा कि जहां पे अभी भी 43 दिन का माल बचा होगा अगर नया स्टॉक आ जाता है। इसको देखते हुए एक बात क्लियर हो रही है कि जिन राज्यों पे हैवी लोड था, क्यों नहीं केंद्र और राज्य के बीच में एक ऐसी पॉलिसी बनी कि जिन राज्यों पे ज्यादा दबाव था पिछली बार और इस बार ज्यादा दबाव आ सकता है, उन राज्यों को क्यों नहीं प्रायोरिटी मिली, तो ये एज और इन सब चीजों के झगड़े जो थे वो खत्म हो जाते। जी, क्योंकि हम जैसे ही सोशल मीडिया या अलग अलग न्यूज सोर्स देखते हैं तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र, इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जिसमें वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए अभी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। आखिरी सवाल जो मैं राहुल जी आपसे जानना चाहता हूँ वो ये है कि क्या मतलब इसमें पत्रकार से ज्यादा एक बुजुर्ग के तौर पर मैं आपका ऑब्जर्वेशन जानना चाहता हूँ कि कोविड के शुरुआती 5-6 महीने में हम लोगों ने जिस तरह की सावधानी दिखाई थी एक नागरिक के तौर पर, आपको लगता है उसकी जगह एक किस्म की लापरवाही आ गई है? अब वैसा डर नहीं है, क्योंकि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद माई व्यूअर्स, आई हैव लॉस्ट माई पीपल ड्यू टू कोविड,
और अभी भी जब मैं बातचीत कर रहा हूँ तो मेरे कुछ अपने हैं जो अस्पताल में इस बीमारी से जूझ रहे हैं, और आई बी अगेन ऑनेस्ट, कुछ एक मौकों पर मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे जितना ज्यादा मास्क लगा के रहना चाहिए था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एक आध मौकों पर मैंने नहीं लगाया, पर मुझे मेरे लोगों ने टोका, दर्शकों ने भी, और वो, और उसके बाद आई एम बीइंग वेरी केयरफुल अबाउट इट। पर एक नागरिक के तौर पर मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर जो एक जरूरी किस्म का भय होना चाहिए, इससे सावधानी उपजती है कि आप लगातार हाथ धोए, अपनी इम्यूनिटी को बेटर करने के लिए चीजें कंज्यूम करें, मास्क लगा के पब्लिक प्लेस में जाएं, उसमें भी अभाव दिख रहा है बहुत ज्यादा। जी सौरभ, ये पैंडेमिक जो है ये डिसिप्लिन के नए आयाम मांग रहा है, और एक इंडिसिप्लिन देश में, यानी मैं बहुत बेदर्दी से बोलूंगा कि एक इंडिसिप्लिन देश में कोविड जैसे पैंडेमिक से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरे जान पहचान में करीब जिन लोगों से मैं आमतौर से मिलता था उनमें अभी तक करीब 51 लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हो चुके। मैं आपको बताना चाहूंगी करीब 10 मार्च 2020 से लेकर के आज तक, क्योंकि हम लोग क्राउड्स में घूमते हैं, बाहर रहते हैं, और ऑफिस जैसा न्यूज सिस्टम जो कि बहुत डिसिप्लिन चाहता है, क्योंकि बड़ा क्रिटिकल ऑपरेशन है, एक आदमी हमारे मास्टर कंट्रोल रूम में अगर बीमार हो जाता है तो वो पूरा सील हो जाता है, तो हमारा ऑपरेशन सील हो जाता है। इसको देखते हुए इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से आप देखिए कि करीब एक साल से ऊपर का वक्फा हो गया है, मैं ऑफिस के प्रांगण में सिर्फ एक बार गया हूं। ये एक डिसिप्लिन की डिमांड है। हम लोग आज की तारीख में दफ्तर नहीं जाते, कहीं किसी से मिलने जाते हैं तो हाथ में सैनिटाइजर रखते हैं, और पूरे टाइम ये तौबा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। देखिए, इस देश में एक महात्मा गांधी ने शुरू किया सफाई आंदोलन, नरेंद्र मोदी ने उसको एक पॉलिटिकल आंदोलन बनाया। ये बात बतानी पड़ती है कि साहब आप अपने हाथ धो लीजिए, मैं कोविड की बात नहीं कर रहा हूं, खाने के बाद हाथ धो लीजिए, खाने से पहले हाथ धो लीजिए, शौच के बाद हाथ धो लीजिए, अपने घर के बाहर कूड़ा मत फेंकिए, रेड लाइट मत तोड़िए। ये कुछ सोसाइटल डिसिप्लिन होते हैं सौरभ, और इसकी जो कमी है पूरा शुरू से, जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, ये आपने मुझसे बुजुर्ग के तौर पर पूछा है, मैं इसलिए इसका जवाब ऐसे दे रहा हूं, अगर पत्रकार होते तो अपनी जीभ काट करके बोलता और बहुत अच्छी अच्छी डिप्लोमेटिक बातें बोलता। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस देश के में शुरू से जब से ये लॉकडाउन हुआ तब से ये हर एक नागरिक और ज्यादातर नागरिकों ने एक चीज व्यवहार दर्शाया कि ये लॉकडाउन सरकार का है, ये घरों में बोलना जा रहने को बोला जा रहा है पुलिस का काम है, यह डिसिप्लिन से रहना, हाथ धोना, ये पुलिस का काम है, ये सरकार चाहती है, ये वैक्सीनेशन सरकार चाहती है। ये हमने कभी इंटरनलाइज नहीं किया एज ए सोसाइटी कि ये हमारे लिए जरूरी है, ये पैंडेमिक हमको असर करता है, ये लॉकडाउन हमारा है। देखिए, मुश्किलात बहुत हुई, जिन लोगों की मुश्किलात हुई सौरभ, आज उनकी तरफ से एक चू की आवाज नहीं है। एक पलायन हुआ, तमाम लोग अपने घर भाग के बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा गए, उनका दर्द सोचिए कि ये बीमारी पासपोर्ट वाले लाए थे, राशन कार्ड वालों की जिंदगियों पर असर पड़ा, वो छोड़ करके अपने गांव पहुंचे, भूख से बिलबिलाते हुए दोबारा वो शहर पहुंचे, और उसी बेकदरी और बेख्याली में जब दोबारा बंबई में आज केसेस बढ़ रहे हैं तो वो तीसरी बार पलायन कर रहा है क्योंकि उसको फिर से मौत का डर सता रहा है। सौरभ, ये सोसाइटल डिसिप्लिन के मामले हैं। अगर आप आंकड़ों को देखिए तो ये जो सेकेंड सर्ज है इसमें सबसे ज्यादा नंबर उन लोगों का है जो कि 20 से लेकर के 35 साल के हैं। सौरभ, ये लोग हैं शहरों में रहने वाले, मेट्रोपॉलिटन में रहने वाले, मुंबई और पुणे जैसे शहरों में रहने वाले, दिल्ली शहरों में रहने वाले, जो कि अचानक पैंडेमिक में रहते हुए कोविड फटीक के शिकार हुए और इन्होंने फटीक के चलते अपने डिसिप्लिन छोड़ दिए, और उसके कारण आप देखिए इन्हीं सेंटर्स में आज की तारीख में ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। और देखिए, मैं इसमें एक कुछ और बात कड़वी है कि आज उसी वर्ग में शिकायतें हैं कि हॉस्पिटल बेड नहीं है, मगर जब डीटीसी का फ्री टिकट देते हैं अरविंद केजरीवाल तो वोट उनको मिल सकता है, लेकिन जब आप फ्री टिकट लेंगे डीटीसी का, जब आप फ्री का पानी लेंगे और सस्ती बिजली लेंगे तो अस्पताल के बेड नहीं बना करेंगे। ये बहुत सारे सोसाइटल डिसिप्लिन हैं जो हिंदुस्तान में, उनकी धीरे धीरे नींव रखी जानी जरूरी है और लोगों को उसका अपनाना जरूरी है। जी,
एक आखिरी चीज पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा राहुल जी, कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि जब हमारे पास वैक्सीन की कमी है तो ये विदेश को वैक्सीन भेजना, ये कौन सी डिप्लोमेसी है? नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, अभी तक मैं अगर आंकड़े देखे जाएं तो ये कहा जाएगा कि करीब 6 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन जो है वो विदेश में चले गए हैं। आधार पूनावाला ने, सीरम इंस्टीट्यूट वालों ने अभी कह दिया है कि जून तक प्रायोरिटी के हिसाब से प्राथमिकता रहेगी कि हिंदुस्तान के अंदर रहें। लेकिन अगर आप आंकड़े देखे जाए तो भारत का जो रेट है, अगर वैक्सीनेशन का जो वैक्सीनेशन रेट मैंने आपको बताया कि जितने वैक्सीनेशन लग रहे हैं रोज के हिसाब से, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बात कहना कि विदेश भेज दिए गए वैक्सीनेशन और इस देश में किल्लत है, ये बात थोड़ी जमती नहीं है। ये बात इसी नहीं जमती है कि आप वैक्सीन लगा ही नहीं रहे हैं, आप वैक्सीन लगवा ही नहीं रहे हैं और आप कह रहे हैं कि साहब आप बाहर क्यों भेज रहे हैं। देखिए, एक कोवैक्स एग्रीमेंट हुआ था WHO से, भारत की कुछ एग्रीमेंट थे कंपनियों के और भारत के भी कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे इंटरनेशनली कोविड की लड़ाई में। करीब 83 देशों को पहुंचाया गया है। सौरभ, आज की तारीख में 82 देश ऐसे हैं जिनको उम्मीद नहीं है कि 2023 तक वैक्सीनेशन उनके देश में शुरू हो पाएगा या तेजी में आ पाएगा। 82 देश, तो अगर 82 देश आइसोलेटेड रहते हैं, वहां वैक्सीन शुरू नहीं होता, तो क्या ऐसा है कि पूरे दुनिया से कोविड खत्म हो सकता है? क्योंकि कोविड वहां पनपता रहेगा। इसलिए ये बात कहना कि ये ऑब्लिगेशन जरूरी नहीं था, देश में देना चाहिए था। कुल आंकड़ों के हिसाब से 11.1 करोड़ वैक्सीनेशन सप्लाई हुए हैं, 9.1 लगाए गए हैं, 1.9 आज की तारीख में हमारी जेब में है और नए वैक्सीन की खेप आने वाली है। तो ये कहना कि किल्लत हो गई और ये सही नहीं होगा। और ये कहना कि प्रायोरिटी सेट कर दी गई, सारे देशवासियों को लगा देना चाहिए था, सौरभ, ये भी थोड़ी बेमानी बात है। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में दुनिया में अगर 2 बिलियन वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं और भारत देश की आबादी 1.4 है, तो 2 राउंड के वैक्सीनेशन को सबको लगाने की काम आज की तारीख में किसी भी तरह से पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसमें सौरभ, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो मैंने एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा निकाला है जो कि देखना जरूर चाहिए, कि तेलंगाना राज्य में 17.6% का वेस्टेज हो रहा है, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में 11.6% का वेस्टेज हो रहा है, कर्नाटक जैसे डेवलप्ड राज्य में 6.9% वैक्सीन वेस्ट हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में 6.6%, क्योंकि 370 से अचानक वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं, हटाए जाने से ठीक नहीं हो जाता है। भारत का एवरेज 6.5% है वेस्टेज का। क्या इसमें कमी की जा सकती है? अगर ये कमी की जा सकती है तो 11 करोड़ का 6% काफी होता है। कुछ बातें इसी में है कि अगर जैसे हरियाणा जैसे राज्य हैं जहां पे स्टॉक बहुत ज्यादा है, लगवाने वाले नहीं है, तो क्या वहां रैशनलाइजेशन हो सकता है? लेकिन इस सब का हल तभी निकल सकता है जब राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, केंद्र और राज्य सरकारें राजनीतिक नफे नुकसान से ऊपर उठ करके साथ में बैठ जाएं, क्योंकि ये पैंडेमिक है, चुनाव नहीं। बिल्कुल, ये पैंडेमिक है, चुनाव नहीं, और जिंदगी रहेगी तभी सारी सियासी दांवपेच बचे रहेंगे। राहुल जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही। दर्शकों के सवाल होते हैं और हम अपनी समझ भर उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, ये सवाल है विवेक सिन्हा का। आई हैव बीन वॉचिंग द बंगाल कवरेज ऑफ लल्लन टॉप एंड आई एम सरप्राइज टू यू दैट हाउ कैजुअली द हिस्ट्री ऑफ पोलिटिकल वायलेंस बाई द लेफ्ट इज मैंशनड इन एवरी डिस्कशन ऑडियंस के द्वारा, एंड देन द एकेडमिया एंड सम मीडिया हाउसेस कीप लेबलिंग मोदी शाह एज फासिस्ट। Why the same people do not grill Mamata Banerjee on the political killings? विवेक, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि ये पूछा जाना चाहिए। आप आज के भी नेता नगरी में आप देखेंगे, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बंगाल पर जो हमारी चर्चा हुई उसको आपने सुना होगा, देखा होगा कि किस तरीके से लेफ्ट के टाइम पर और फिर TMC के टाइम पर पॉलिटिकल वायलेंस, मतलब एज अ जर्नलिस्ट आई एम शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर बंगाल इलेक्शंस। हम किसी भी गाँव में जाते हैं,
किस तरीके से मार्किंग शुरू हो जाती है, चेज शुरू हो जाता है। दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो इन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से भी पूछने चाहिए और उनका जो ग्रास रूट लेवल से लेकर स्टेट और सेंट्रल लेवल तक लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनसे भी पूछा जाना चाहिए। आई कंप्लीटली एग्री विद यू, दिस इज नॉट समथिंग जिसके साथ किसी को भी ओके होना चाहिए। दड़पे का सवाल है, यू टॉक्ड अबाउट ललितादित्य मुक्तापीड वंस इन नेतानगरी, कैन यू टेल अबाउट मोर ऑफ द किंग्स हु वी हैव फॉरगॉटन कंप्लीटली एंड सम रिसोर्सेज टू नो देम। सर इतिहास के जानकार ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन जो आपका सवाल पढ़कर पहला नाम मेरे जेहन में आ रहा है वो है राजेंद्र चोल का। चोल वंश इतना महान था, उसका विस्तार, उसके निर्माण, उसका असर लेकिन कितना कम जानते हैं। और यहाँ पर एक जो मुझे भारत के इतिहास लेखन से और खास तौर पर जो मार्क्सवादी इतिहासकारों के नेतृत्व में इतिहास लेखन हुआ उससे शिकायत है बड़ी कि इंडियन हिस्ट्री बहुत ज्यादा दिल्ली एंड नॉर्थ सेंट्रिक रही। ये एक चीज है जिस पर अकादमिक जगत को विचार करना होगा और नए सिरे से ध्यान देना होगा। एक लंबी फेहरिस्त हो सकती है जिसमें आप पाल राजा, पल्लव राजा, राष्ट्रकूट राजा और हर्षवर्धन का समय, इन सब पर बात करें। ललितादित्य पीठ पर तो बात हुई ही है, गुप्त काल पर और विस्तार से बात हो और उसके पहले चाहे वो शुंग वंश रहा हो, ये जो भी इस तरीके की लंबी फेहरिस्त है उस पर नए सिरे से। एक भारतीय के तौर पर मुझे बड़ी कोफ्त होती है कि हम ना तो अपने इतिहास के प्रति जागरूक हैं और ना ही ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति। विशाल खत्री का सवाल है, दो सवाल है। Recently, Rahul Gandhi in his Harvard interview said that under BJP, Indian institutions are under threat. Don't you think that more than the BJP, this is Congress, RG's failure to fulfill their responsibility as a constructive opposition, conduct press conferences, unite opposition parties and present a strong front? What are your thoughts? Aur dusra sawal hai, what could be the long-term side effects of this continuous jab to foreign institutions portraying India as no more a democratic country? Vishal, aapne ye sawal pucha, mujhe sabse pehle एक वेब पोर्टल पर दो दिन पहले आई एक रिपोर्ट जो कि एनालिसिस के फॉर्म में थी रोहित तिवारी की, वो ध्यान आ गई, जिस पर काफी मुखामुखम भी हुआ ट्विटर पे। विदेश में जाकर भारत के संस्थानों के बारे में चर्चा करना, इसका प्रेसिडेंस पहले भी है। जब इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई थी तब मणिशंकर अय्यर समेत तमाम नेता ऐसे थे जो विदेश में जाकर भारत की सरकार की जो कारगुजारियां हैं उनके बारे में बता रहे थे। एक ग्लोबल वर्ल्ड में आप कितनी चीजों को इंटरनल मैटर बांध के अपने पास रखेंगे, कितनी को बाहर रखेंगे, ये बहुत ही डिबेट का विषय है। अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करना, राहुल गांधी का फ्रंट पर आना, यूनाइट करना, इस पर हमने बहुत विस्तार से बात की है कि हाउ दे हैव फेल्ड। जो ग्राउंड पे मोमेंटम है, ग्राउंड पे इश्यूज है, उनको ना तो वो एड्रेस करने का कैलिबर दिख रहा है अपोजिशन में, ना उनके अंदर एक कलेक्टिव समझ दिख रही है और इसकी वजह से बीजेपी को एक फ्री हैंड भी मिल रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ लोकतंत्र में चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत जरूरी है जो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। तीसरा चौथा सवाल है चिंटू रेड्डी का। As Rahul went to Kerala leaving UP, BJP will sure use this thing in UP 2022 जब असेंबली इलेक्शंस होंगे, saying देखो कांग्रेस को तुम पे भरोसा नहीं है। You think any chance of Congress gaining in 2022 just with Priyanka, as I think UP people will not forget how Rahul contested from another seat and his recent remarks. Chintu, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब एक नेता अपनी जमीन छोड़कर जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल उठता है। और यहाँ पर फिर से मैं इंदिरा गांधी का जिक्र करना चाहूंगा जो 1977 में रायबरेली से राजनारायण के खिलाफ चुनाव हार गई थी। उसके बाद वो चिकमंगलूर की सीट से दो दफा बाई इलेक्शन जीत कर आती है और 1980 में वो रायबरेली के साथ साथ मेढक सीट जो आंध्र प्रदेश में है वहां से चुनाव लड़ती है और उसके बाद वो रायबरेली की सीट खाली भी कर देती है। लेकिन चूंकि तब वो वापस सत्ता में आ गए थे तो उनका इन्फ्लुएंस छीजा नहीं, कम नहीं हुआ। पर कांग्रेस के पास ये सहूलियत नहीं है, कांग्रेस सत्ता में नहीं, इसलिए ऐसे में जाहिर तौर पर ये सवाल तो आते ही है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से हार के चला गया। लेकिन एक दूसरा सत्य ये भी है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के मोर्चे पर लगातार सक्रिय है और अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी रिवाइव करने की कोशिश कर रही है और जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुखर विपक्ष दिख रहा है आज की तारीख में मुद्दों के हिसाब से कहें तो वो कांग्रेस ही दिख रही है। सपा अब थोड़ा सा जागी है पंचायत चुनाव के आलोक में और जब विधानसभा चुनाव में एक ही बरस बचा है और बसपा तो लगातार कम ही होती जा रही है। क्या कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी? संभावना तो है लेकिन
किस रफ्तार से रिवाइव कर पाएगी? अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो कांग्रेस अभी दहाई में नहीं है उत्तर प्रदेश में, वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस थी उनकी 2017 में, ऐसे में वो कितना रिवाइव करेंगे, किस नंबर तक पहुंचेंगे, किस तरीके के अलायंस करेंगे और वोट जो अपोजिशन का वो कितना स्प्लिट होगा सपा बसपा कांग्रेस वगैरह के बीच, ये एक देखने वाली बात होगी और यहाँ पे बीजेपी को एक क्लियर एज मिलेगा। प्रखर खामपारिया का सवाल है, हाउ कैन वी कलेक्टिवली स्टॉप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स? सर इसके दो तीन तरीके हैं जो मुझे इमीडिएटली समझ में आ रहे हैं। एक नागरिक के तौर पर जब हम जागरूक होंगे और ऐसे प्रत्याशियों को चुनना बंद करेंगे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उनका महिमामंडन, उनका भोकाल, अरे साहब उनका तो बड़ा तगड़ा टेलर है यहाँ पे, जब तक हम उस जोन से बाहर नहीं आएंगे, दबंगों को पसंद करने के जोन से, तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। दूसरा, एक समाज के तौर पर जब हम लगातार पॉलिटिकल सिस्टम पर ये प्रेशर बिल्ड करेंगे कि अगर आप एक दागी को, एक सो कॉल्ड बाहुबली वाली छवि के नेता को टिकट देंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे लेकिन उस नेता के केस में नहीं करेंगे, ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए। और तीसरा, जो इलेक्शन कमीशन है और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर काम करने वाली संस्थाएं जैसे ADR वगैरह, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है कि दागी नेता चुनाव न लड़ पाए अगर उनको सजा हो गई है, उनको अपने केसेस अब डिक्लेयर करने पड़ते हैं, इसको और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। अगला सवाल अमित कुमार का, अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार जाती हैं और पूरे बंगाल में जीत जाती हैं तो क्या होगा? तब तो बड़ा सिंपल है, अगर ममता नंदीग्राम से हारती हैं पूरे बंगाल में जीतती हैं तो बहुत प्रायिकता इस बात की है कि किसी दूसरी सीट पर कोई विधायक इस्तीफा देगा और ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि वहां पर भी फिर बीजेपी जाके तगड़ी फाइट देगी, तो जाहिर सी बात है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में ममता बनर्जी ऐसी सीट चुनेंगी जहां पर नंबर गेम पूरी तरह से उनके हक में हो, उनके पक्ष में हो। लेकिन लॉन्ग रन में इससे ममता बनर्जी की लीडरशिप पर सवाल तो उठेगा ही, ये कहा जाएगा कि नहीं भाई अपने नेतृत्व में ही चुनाव जिताया, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव हार जाना, उसके बाद उनका जो क्लेम है वो कमजोर हो जाता है। एक ही उदाहरण मुझे ध्यान में आता है, जब मुख्यमंत्री ने चुनाव हारा दावेदार ने और फिर भी वो कुछ एक समय के अंदर आ गए, राजस्थान में जय नारायण व्यास दो सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों जगह से हार गए थे, लेकिन और तब शायद टीकाराम पालीवाल बने थे मुख्यमंत्री, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस फैक्ट कि कौन बने थे, और उसके कुछ समय बाद बाई इलेक्शन हुए और जयनारायण व्यास आए। पर हमने देखा है कई मुख्यमंत्रियों का मध्य प्रदेश में, काटजू का, BC खंडूड़ी का उत्तराखंड में करियर खत्म हो गया, उनकी पार्टी जीत के करीब भी पहुंची लेकिन वो खुद चुनाव हार गए। तो एक बड़ा फर्क इस चीज का पड़ता है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री चुनाव हारते हैं और उनकी पार्टी भी चुनाव हार जाती है, ये बहुत रेयर होता है कि पार्टी जीत जाए लेकिन मुख्यमंत्री हार जाए। TMC में एक्चुअली और कोई है भी नहीं जो ममता बनर्जी के सामने फिलहाल दावेदारी पेश करे। और दूसरा ये भी बात आएगी अगर TMC चुनाव जीतती है कि उनका जनादेश कितना स्पष्ट है, ताकि विपक्षियों को कितनी सुराख मिलती है। मिथुन का सवाल है, व्हाट वुड हैपन इफ ममता इज गोइंग टू शॉर्ट ऑफ फ्यू सीट्स एंड कांग्रेस हैज इट, देन न्यू अलायंस वुड बी इन पाइपलाइन? मोस्ट डेफिनेटली, अधीर रंजन चौधरी ने इशारों में इसका संकेत भी कर दिया है और ये तो बिल्कुल फॉरगॉन कंक्लूजन है कि ऐसा होगा ही, अगर ऐसा होता है कि ममता बहुमत से कुछ कम और कांग्रेस को मिला के वो बहुमत के करीब पहुंच जाए। TMC के सामने एक बड़ा लेफ्ट के सामने द्वंद होगा, हालांकि लेफ्ट के जो यहाँ के स्टेट सेक्रेटरी हैं सूर्यकांत मिश्रा, उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर TMC के साथ नहीं जाएंगे। लेफ्ट एक्चुअली ऐसा कर भी नहीं सकता है, इसलिए उनके लिए कैच 20 सिचुएशन होगी कि वो फिलहाल BJP को रोकें या TMC को रोकें। अगला सवाल है कि क्या असम में भाजपा का बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ना हिमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की तरफ इशारा है, क्योंकि आपके साथ इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात का इशारा किया था, उस इंटरव्यू के खूब चर्चे हुए हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं, हो सकता है कि सर्बानंद सोनोवाल वापस मुख्यमंत्री बने, कुछ समय के लिए बने, फिर उन्हें केंद्र में समायोजित किया जाए, लेकिन अगर BJP ने हिमंत बिश्व शर्मा की महत्वाकांक्षाओं को इस बार तसल्ली बख्श ढंग से अकोमोडेट नहीं किया तो असम में उनकी पॉलिटिक्स को टर्माइल झेलना पड़ेगा, ये बहुत क्लियर है। और हिमंता और उनके समर्थक तो बहुत स्पष्ट हैं कि इस बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेट्स सी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि असम में जो संघ नेतृत्व है वो हिमंता को लेकर अभी भी उतना सहज नहीं है, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछले एक दो वर्ष की जो हिमंत की राजनीति थी वो उसी गैलरी के हिसाब से की गई थी कि उनको प्लीज कर सके।
आखिरी सवाल है विदित खेमानी का. डोंट यू थिंक दैट व्हेन द ईसी कंडक्ट्स असेंबली इलेक्शंस इन अ नंबर ऑफ स्टेट्स टुगेदर देन इट्स अ ड्रॉबैक फॉर अ नेशनल पार्टी लाइक द बीजेपी सिंस द कैपेसिटी ऑफ टॉप लीडरशिप गेट्स डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स. नो विदित, आई डोंट थिंक सो. उनके पास लीडरशिप की एक लंबी कतार है. बंगाल में ही देखें तो मध्य प्रदेश के और तमाम राज्यों के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के नेता यहाँ पर आकर प्रचार कर रहे हैं. जो टॉप लीडरशिप है वो थोड़ा थिन स्प्रेड हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे कई चरणों में चुनाव हो रहे हैं तो उस हिसाब से भी उनको अपनी माइट को इक्वली या स्ट्रेटजिकली डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका मिल जाता है. गौरव धींगरा, उनका सवाल है हाउ टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, हाउ टू वर्क ऑन योर स्किल्स. गौरव, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माय कम्युनिकेशन स्किल्स, सो प्रोबब्ली अ गुड कम्युनिकेटर कैन आंसर दैट क्वेश्चन. लेकिन आपने पूछा है तो लोगों को ऑब्जर्व करना, ऐसी भाषा इस्तेमाल करना जिससे उनके साथ सीधा कनेक्ट हो, और जब उस भाषा का इस्तेमाल करें तो आपकी देह भी वही भाषा बोल रही हो, मतलब आंगिक और वाचिक दोनों ढंग से आप अपनी बात को संप्रेषित कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो. खूब ज्यादा लोग और खूब ज्यादा साहित्य पढ़ेंगे तो भाषिक वैविध्य रहेगा भाषा में, आपके संरचना के स्तर पर और शब्द संपदा के स्तर पर बहुत चीजें रहेंगी. आप सुरुचिपूर्ण ढंग से नए नए रूपकों और उपमानों के जरिए अपनी बात कह पाएंगे. मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण चीज है. नेता नगरी में जवाबदेही का सेगमेंट यहाँ पर खत्म होता है. अब बढ़ते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फुर्सत की सलाह. अभी तो हम बंगाल में हैं तो आप हमें सलाह दीजिए, कहाँ जाएं, क्या खाएं, किन से मिलें. और किताबों के मामले में मेरी सलाह है, मैंने एक ये किताब पढ़नी शुरू की है, पेंगुइन से ये किताब आई है. इस किताब का शीर्षक है रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, हाउ द संघ इज रीशेपिंग इंडियन डेमोक्रेसी. इसे बद्री नारायण ने लिखा है जो कि गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट है इलाहाबाद, वहां पर डायरेक्टर है. और बद्री नारायण का संघ पर और दलित आंदोलन पर बड़ा काम रहा है. काशीराम की भी बायोग्राफी इन्होंने लिखी है. तो ये किताब मैं रेकमेंड करूंगा, इट्स अ गुड रीड. मैंने आधे से ज्यादा पढ़ ली है, मैं खत्म कर लूंगा इसको. दूसरी किताब कुछ पुरानी है लेकिन मेरे कई मित्रों ने सलाह दी कि इसको जरूर पढ़ा जाए. कौटिल्य प्रकाशन से ये किताब आई है, आशुतोष राणा की किताब है रामराज्य. और आशुतोष राणा के चिंतन, उनकी कविताओं का, उनके भाषा पर अधिकार का, कितनी प्रांजल भाषा बोलते हैं, और बिलाशक उनकी अभिनय क्षमता का मैं मुरीद हूँ, तो इसलिए मैंने ये किताब उठाई है. और इसमें देखिए मेरे सामने ये पंक्ति है कि क्योंकि वे जानते थे कि अप्रामाणिक आशंका प्रामाणिक शंका से अधिक घातक होती है. शंका की उत्पत्ति का कारण प्रत्यक्ष होता है किंतु आशंका को जन्म देने वाले कारण प्रच्छन्न होते हैं. वे आशंकाएं ही होती हैं जो व्यक्ति की कर्मणा शक्ति का क्षरण करती हैं. तो इस तरह की कई पंक्तियां हैं, जैसे ये, राम अपनी माँ कैकेयी के उद्देश्य को जान परम संतोष से भरे हुए बोले, सभ्यता इस तथ्य को प्रकाशित करती है कि मनुष्य के पास क्या है, और संस्कृति का अर्थ होता है कि मनुष्य कैसा है. सभ्यता दिखाई देने वाला शरीर होता है तो संस्कृति ना दिखाई देने वाली आत्मा. निराकार भाव को साकार करने वाला कलाकार कहा जाता है माँ, इसलिए संस्कृति एक कला है और सभ्यता उसका कौशल, और सभी गुणों को सम्यक रूप से धारण करना ही संस्कृति कहलाता है. ये राम और कैकेयी का संवाद है. तो इस तरह के कई प्रसंग हैं इसमें जिनको पढ़ने की मैं कोशिश करूंगा. और देखने में तो पूरा भारत आईपीएल देखेगा, अपन भी देखेंगे शुरू के कुछ मैच, देखेंगे टेम्पो कैसे बिल्ड होता है चुनाव के बीच. और इसके अतिरिक्त तो कुछ अभी देखने का मौका मिला नहीं है तो उसमें ज्यादा कुछ सलाह मैं दे नहीं सकता हूँ अपनी जानिब. नेता नगरी यहाँ पर खत्म होता है. आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, कोविड को लेकर सभी जरूरी सावधानियां बरतिए, ये जरूरी है. और नेता नगरी का ये पूरा एपिसोड आपको कैसा लगा, बड़ा लंबा हो गया है, इसके बारे में भी जरूर बताइए. शुक्रिया.